हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग भारत के भूगोल को घटना चक्र से डिटेल में पढ़ेंगे लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ा चुका हूँ, एससीईआरटी में कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, उसका थ्योरी भी, एमसीक्यू भी, हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ। आज जो है घटना चक्र में जो भी भारत के भूगोल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक दिया है, सारे टॉपिक को देखा जाएगा और साथ ही साथ इसी वीडियो में एमसीक्यू भी उसका कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिकमेंड था कि घटना चक्र के ऊपर पढ़ा दीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, आईएएस का, बीपीएससी का, पीसीएस का, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन दिया है। मैंने बोला ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो आज जो है ये घटना चक्र कंप्लीट किया जाएगा और कल जो है आप लोग 9 बजे लाइव आना ना भूलिएगा, 9 बजे मॉर्निंग में, सुबह में, क्योंकि कल बहुत ही विशेष आप लोग के लिए सूचना देने वाला हूँ और साथ ही साथ में बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले जितने भी 10 क्लास होंगे, वो मतलब समझिए कि जो नहीं भी अभी तक तैयारी किया होगा, अभी तक जो डर होगा, सारे डर खत्म कर दूंगा, वो बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखेंगे, एक नंबर में दिया है, पहला जो टॉपिक दिया भारत का भूगोल, ठीक है। उसमें पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि भारत जो है अक्षांशीय अधिक अंतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है। तो देखिए, कई बार बताया हूँ कि ये हो गया, मान चलिए ग्लोब हो गया, ये बीचों बीच में से विषुवत रेखा, अपना जो भारत जो है ना यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये नीचे से देखेंगे या मतलब पूरी हिसाब से दिख रहा है, तो ये तो एक तो उत्तर में दिख रहा है, क्योंकि हमेशा मैप में नॉर्थ साइड जो होता है ना ऊपर में होता है, नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे में, ईस्ट इधर में और वेस्ट इधर में। तो ये किधर दिख रहा है? नॉर्थ साइड में दिख रहा है। और वेस्ट और ईस्ट में देखिएगा, यानी पूर्व पश्चिम देखेंगे तो पूर्व साइड में दिख रहा है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में दिख रहा है, यानी कि उत्तर पूर्व में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये हो गया उत्तर पूर्व में भारत अपना है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसी को 32.8 दे देता है लाख किलोमीटर, या उसी को 3.28 दे देता है, ठीक है, 3.28। तो दोनों याद रखिएगा। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो 2.24 है। ये चीज़ें कई बार आप लोग पढ़े होंगे लोग। उसके बाद लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7 बड़े देशों का नाम बताइए। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? एससीईआरटी किताब में क्या किया है कि चीन पहले दिया हुआ है और अमेरिका बाद में दिया हुआ है। आप किताब देखिएगा उठा के एससीईआरटी में, हालांकि मैंने उस समय जब बताते समय भी बताया था और फिर अगेन भी बताऊँगा लाइव क्लास में, चीज़ों को समझाऊँ और बताऊँगा क्यों ऐसा हुआ है। यहाँ भी समझा दे रहा हूँ, एक्चुअली में चीन प्लस तिब्बत जो कि कब्जा किया हुआ है तिब्बत अपने में, तो बहुत सारे देश नहीं मानते हैं तिब्बत को चीन का हिस्सा, वो मानते हैं कि स्वतंत्र है, अभी कब्जा किया हुआ है। जैसे कैसे कश्मीर जो है कब्जा किया हुआ पाकिस्तान, तो कश्मीर पाकिस्तान का थोड़ी है, अपना है, एक ना एक दिन तो वापस लेना ही है। उसी तरह तिब्बत भी बहुत सारे देशों को मानना है कि ये कब्जा किया हुआ है चाइना, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब ये तिब्बत को नहीं मिलाएंगे तो चीन जो है 4 नंबर पर आएगा, लेकिन जब तिब्बत सम्मिलित कर दिया जाएगा, जैसे अपना भारत मान लेता है कि हाँ तिब्बत इसी के कब्जे में है और इसी का पार्ट है, भारत मान लेता है, तो जब भारत मानता है तो भारत के बिहार बोर्ड किताबों में, बहुत सारी किताबों में, ये चाइना को 3 नंबर पर दिखाया जाता है और अमेरिका को 4 नंबर पर दिखाया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। जाहिर सी बात है, तिब्बत को कब्जा करेगा तो क्षेत्रफल बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक बताया था बहुत अच्छे तरीके से, रुक चीन, यूएसए बड़ा, उसके बाद से आ रहा है कौन जी, भारत आ रहा है अपना, ठीक है, यूएसए बड़ा और भारत आ रहा है। तो यूएसए बड़ा है ही, मतलब कि पावरफुल है, रुक चीन को, मतलब चीन को रोकना ही है, हम लोग को आना है, आना किसको है, भारत को आना है, तो चीन को रोकना है, यूएसए बड़ा है लेकिन आना भारत को है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, रुक से क्या, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, बड़ा से ब्राज़ील, आ रहा से ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर, ठीक है। तो इस तरह याद कर सकते हैं, 7 बड़े देशों को 7वें नंबर पर अपना जो है भारत है। उत्तर से दक्षिण देखेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ तो 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 2,933 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं भारत की बात हो रही है। और ये लंबाई और चौड़ाई के रूप में पिछली एग्जाम में पूछा हुआ था, हालांकि शुरू में बोला था कि इसको लंबाई इसको चौड़ाई उल्टा कर दिया था और बाद में बड़ा वाला को लंबाई माना और छोटा वाले को चौड़ाई माना, ये बाद में सुधारा, ठीक है, बीपीसी ने, आयोग ने पहले थोड़ा सा आंसर गलत दे दिया था। अगला, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगन पर स्थित स्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा कौन सा है? तो सिंपल समझिए, सबसे पूरब साइड में कौन सा है? तो पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश, मैं चारों तरफ को बता दे रहा हूँ। ये नॉर्थ में आपका हो जाएगा क्या? तो नॉर्थ में याद रखिएगा इंद्राकौल, क्या इंद्राकौल है। नीचे में साउथ में सबसे आइएगा, जो कि साउथ यहाँ पर है कन्याकुमारी, लेकिन अपना जो हिस्सा यहाँ पर अंडमान निकोबार है, इसका साउथ देखेंगे सबसे, क्योंकि ये तो मुख्य भाग से थोड़ा और नीचे है, तो इसका साउथ देखेंगे तो ये है, क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट नाम है, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको इंदिरा कॉल
अब कॉल और पॉइंट में बहुत किसी को कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा कॉल लगाने के लिए, फ़ोन लगाने के लिए कहाँ जाइएगा? नीचे जाते हैं कि पहले के समय में देखते हो टावर नहीं पकड़ते तो लोग क्या बोलते थे, रुकिए छत पे जा रहे हैं, है ना, ना टेरिस पे जा रहे हैं, और छत पे जाने के बाद ऊपर जाने के बाद आदमपुरा, चाहे कई गाँवों में रहते थे तो आदमी क्या करता था, थोड़ा सा ऊँचाई स्थान पर जाता था, अब बोलते थे कि अब सुनाई दे रहा है, यानी कि कॉल लगाने के लिए ऊँचा जाइएगा, तो ऊपर साइड क्या हो जाएगा, यानी ऊपर में क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ साइड का जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, और साउथ साइड को पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जब इसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं, लेकिन मुख्य भूमि का जो एकदम साउथ वाला पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु वो है कन्याकुमारी, और इसी को कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। अब इधर आएंगे पूरब में और इधर पश्चिम में आएंगे, पूरब में जो है इस एकदम पूर्वी छोर को कीबूथू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीबूथू बोलते हैं, वही दिया है कीबूथू, और वही यहाँ अगर यहाँ पर आएंगे पश्चिम साइड में तो इसको बोलते हैं गौर माता या गुहार माता बोलते हैं, ठीक है, जो कि गुजरात में, चारों दिशा समझ आ गया, आ गया जी। लिखा है कि बिहार देश का पिछड़ा राज्य, बिल्कुल पिछड़ा राज्य, कारण क्या है कि राज्य में विकास के स्तर प्रादेशिक भिन्नता मिलती है, यानी कि दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, मतलब राज्य में विकास के स्तर जो है ये अलग अलग है, तो विकास का स्तर अलग अलग है, इसकी वजह से पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा होने का रीज़न है यहाँ पर कोई भी क्या भाई खनिज संसाधन नहीं है, कोई भी फैक्ट्रियाँ वगैरह उतनी नहीं है बाकी जगहों की अपेक्षा में, यहाँ पर अशिक्षा है बहुत ज़्यादा, मतलब शिक्षा के मामले में सबसे पीछे, बहुत सारे कारणों से पीछे है। अगर भारत का दक्षिणी बिंदु, तो अभी बताया कि इंदिरा पॉइंट इसी को जो ग्रेट निकोबार में है, यानी अंडमान निकोबार का नीचे वाला हिस्सा ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु है, उसी को पिगमिलियन पॉइंट से नाम के जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को, इंदिरा पॉइंट को जो देशांतरीय अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति देखेंगे तो देखिए उसका अक्षांश जो है भारत एक्चुअली मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री से शुरू हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन अंडमान निकोबार का जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये जो शुरू होता है ये कितना शुरू होता है 6 डिग्री और 4-5 मिनट से, याद रखिएगा 45 मिनट और 10 पूरा दिया एग्जैक्ट है ना, 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड, ठीक है, ये शुरू होता है उत्तरी अक्षांश से, और पूर्वी देशांतर इसका देखेंगे, पूरब साइड का देशांतर देखेंगे तो 93 डिग्री 50 मिनट 34 सेकंड दिया हुआ है, ये चीज़ नया मिला आप लोग को, इसको पकड़ लीजिएगा, ये चीज़ तो खैर पता था आप लोग को लेकिन ये नया मिला, इसको देख लीजिएगा। अगला भारतीय मानक यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, यानी जो ग्रीनविच से कितना आ गया था, 5.5 घंटा आ गया, ये भी जानते हैं, और जो केंद्रीय देशांतर है 82.5 डिग्री, इसी को तो मानक समय रेखा भी कहा जाता है, 82.5 डिग्री को। अगला भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है वही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और वो जो है वो पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है, भारत में 2 घंटे का अंतर है, मतलब क्या करा है कि इस साइड से और इस साइड से, यानी कि यहाँ जो है 97.25 है, यहाँ 68.60 से लिखे 68.7 डिग्री 7 मिनट से लेकर देशांतर रेखा 97.25 मिनट देशांतर रेखा जो है इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर है, और समय का जो अंतर है 2 घंटे का अंतर है, कारण क्या, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री × 4 = 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर है। अगला 5 राज्य से गुजरता है मानक समय रेखा, ये कई बार बताया है कि 5 राज्य से गुजरता है, एक्चुअली में अपना अपना प्यारा सा भारत अगर देखेंगे है ना, तो अब ये जो है ये बीचों बीच से जो गुजरता है, कौन से गुजरता है, गुजरता है समय रेखा ये बीचों बीच से, तो यहाँ उत्तर प्रदेश, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के बाद से मध्य प्रदेश कुछ हिस्सा आ जाता है, मध्य प्रदेश उसके बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य जो है इससे गुजरा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्य से गुजरता है ये मानक समय रेखा, और ये मानक समय रेखा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर या प्रयागराज से होकर गुजरता है, 1 देशांतर 4 मिनट का अंतर होता है, 24 घंटे में 360 डिग्री हुआ, क्योंकि 24 घंटे में 1 मिनट में 1 डिग्री जो है 4 मिनट में जा रहा है, तो आप पूरी 24 घंटे के हिसाब से देख सकते हैं 360 डिग्री का अंतर होगा। भारत की मुख्य भूमि अक्षांशों के मध्य विस्तार है, तो मध्य विस्तार जो है अब ये करें अक्षांश का विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है जो भारतीय अक्षांश है, यानी कि अगर भारत का अक्षांश देखा जाए, यानी ये निचला पॉइंट 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है, और देशांतर ये देखेगा तो सेम टू सेम वही देशांतर, तो 68.7 से लेकर 97.25 तक अभी जस्ट बताया। अगला है कर्क रेखा विषुवत रेखा एवं मकर रेखा में से कौन जो भारत में लगभग मध्य से गुजरती है, तो कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अगला है भारत विषुवत रेखा
से जिस ओर स्थित है, तो विषुवत रेखा से उत्तर साइड में, क्योंकि विषुवत रेखा नीचे उसके ऊपर में हम लोग ये अपना है। कर्क रेखा जो आठ राज्यों से गुजरता है, कई बार बताया हूँ कि कर्क रेखा जो आठ राज्यों से गुजरता है भारत के अगर बीचों बीच से देखेंगे है ना, भारत के बीचों बीच से, तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरा हुआ है। कर्क रेखा जो है यहाँ पर गुजरात, उसके बाद राजस्थान का कुछ हिस्सा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ये आठ राज्यों से होकर गुजरा हुआ है। इसका कोई ट्रिक फ्रिक मत पकड़िएगा, इसको डायरेक्ट मैप से याद कीजिएगा, ठीक है। इस बार लाइव में जो है मैप को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, इंडिया का मैप भी और बिहार का मैप भी, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब होता है कि मैप अगर ढंग से अगर पकड़े ना, तो समझिए कि 50% चीज़ आप ऐसे ही समझ जाते होंगे। अगला, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तब यहाँ क्या होता है, अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। मतलब क्या है कि जो भी जगह विषुवत रेखा के करीब में है वहाँ गर्मी ज़्यादा है और वर्षा ज़्यादा है। इसका कारण क्या है, मैं बताया था कि सूरज जो है ये विषुवत रेखा पर दो बार आता है, है ना, दो बार आता है आपका सन जो होता है, क्या होता है, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में, यानी इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। कर्क रेखा को जो काटती है दो बार नदी जो है वो माही नदी है, मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो ने है, लिम्पोपो है जो कि अफ्रीका में है, और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी जो है वो कांगो है, वो भी अफ्रीका में है, लेकिन ये माही नदी जो है अपने भारत में है ना, जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। अगला, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है कर्क रेखा से, कर्क रेखा के दक्षिण में है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, है ना, क्योंकि ये अच्छा भला एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा पॉइंट लग रहा है, ठीक है। ये कर्क रेखा से क्या है, दक्षिण में, यानी कर्क रेखा से दक्षिण मतलब क्या है कि कर्क रेखा ऐसी गुजरी और उसके नीचे है नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी नीचे से बह रही है, ये है कर्क रेखा, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। उसके बाद से सोन रिहंद बेतवा को काटती है, तो कर्क रेखा काटती है, यानी कि ये सोन नदी ऐसे जा रही है, रिहंद नदी जाती है, बेतवा नदी जाती है, और कर्क रेखा इसके बीच से गुजरा हुआ है। ये भी पॉइंट बहुत ज़बरदस्त लगा, अच्छा पॉइंट है, इसको पकड़िएगा लोग, है ना, अच्छा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, है ना, क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी तरह क्वेश्चन तो बनता। अब इसी को भाषा में के रूप में वो कन्वर्ट कर देगा कि कौन सी ऐसी, या सीधे पूछ देगा कि सोन रिहंद और बेतवा नदियों को काटने वाली निम्न में से कौन सी रेखा है, तो ये कर्क रेखा, तो ये तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा भारी बनाना होगा, तो लिखिएगा कि कर्क रेखा निम्न में से किन नदियों को काटते हुए जाती है, या किन नदियों को क्रॉस करते हुए जाती है, है ना, तो सोन नदी को, रिहन नदी, बेतवा नदी को क्रॉस करके जाती है। अगला, भारत पाकिस्तान के मध्य काश्मीर समस्या को लेकर जो समझ, एक मिनट रुकिएगा, जल ग्रहण करने दीजिए, सॉरी, अजी ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य काश्मीर समस्या को लेकर जो जल विवाद हुआ था वो तीन बार हुआ, एक बार 48 में हुआ है, एक बार 65 में हुआ, एक बार 99 में हुआ है जल विवाद के लेकर। भारत पाकिस्तान के मध्य 1971 में युद्ध हुआ था, तो जिसमें बांग्लादेश की समस्या के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो था उस समय 1971 में, बाद में बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया गया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं, ठीक है। भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है, कौन सी अलग करता है, तो पाक के जल डमरू मध्य जानते हैं, और बीच में एक खाड़ी है जिसको मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं, ये भारत और यहाँ श्रीलंका जो है इसके बीच में जो है ये मन्नार की खाड़ी, यह पाक जल संधि है। डोकलाम अवस्थित है भूटान, चीन और भारत की त्रिमुहे पर, यानी कि डोकलाम जो जगह है वो, ये जो ऊपर सिक्किम आते हैं यहाँ से ये भूटान शुरू हो जाता है, ये है भूटान, है ना, भूटान वाला जगह जो है यहाँ पर, ये भूटान वाला जगह है, और यहाँ से ऊपर से चाइना जाता है, और यहाँ से जो है भूटान चाइना, और ये नीचे भारत ही है, तो ये जो बीच में जो जगह क्षेत्र है उसको डोकलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोकलाम कहा जाता है। डुरंड रेखा देशों की सीमा निर्धारित करती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है डुरंड रेखा को, पहले जो था ना अफगानिस्तान और भारत के साथ था, अब ये कहाँ पर है बता रहा, देखिए ये जो अपना क्या हो गया, भारत का ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, अब ये ऊपर वाला हिस्सा में देखेंगे तो ये क्या था एक्चुअली में, ये वाला जो हिस्सा है ना ये पाकिस्तान जो है कब्जा कर लिया एक्चुअली में, यहाँ से जाने का रास्ता है अफगानिस्तान में, यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन था 102 किलोमीटर, लगभग 102 किलोमीटर या 106 किलोमीटर के आसपास में था, ठीक है, और ये जो किलोमीटर था यहाँ से भारत से अफगानिस्तान जाने का रास्ता था, लेकिन इस वाले एरिया को ही जो है पाकिस्तान कब्जा कर लिया, खा गया है इसको, तो इसलिए ये जो लाइन था ना इसको बोला जाता था डुरंड रेखा। अभी फिलहाल में जो है वो किसके किसके साथ है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन था वो भारत और अफगानिस्तान के साथ था, ठीक है। भारत चीन के बीच में जो है मैकमोहन लाइन है, जो आज़ादी से पहले ही इसको खींचा गया था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन चाइना जो है इसे नहीं मानता है, और ये जो मैकमोहन लाइन जो है ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश साइड में, यानी कि जो ऐसे अरुणाचल प्रदेश ये अपना आता है इस साइड में, है ना, उसके बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश जो आता है, ठीक है ना, तो यहाँ जो ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन यही है मैकमोहन लाइन।
अगला भारत पाकिस्तान का निर्धारण करती है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है और ये जो लाइन आता है आपका इधर साइड में आता है ना, इस साइड में यानी कि जो राजस्थान वाला एरिया जो है इस साइड में जो आता है ये वाला एरिया, ये आता है कौन सा रेड क्लिफ लाइन। अगला ये मैकमोल लाइन का देखिए 1914 में ही इसका हुआ था, 1914 में आज़ादी से पहले ही अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद भारत भू सीमा एवं जल सीमा को मिलाकर कुल कितना लंबाई है, तो अगर याद रहता आपको 15,000 लगभग 200, देखिए 106 दिया लेकिन याद रखिएगा 15,200 याद रखिएगा, ये 106 नहीं याद रखिएगा ठीक है, 15,200 की किताबों में 15,200 दिया है तो वही होगा 15,200, आप प्लस में जोड़ दीजिए ना 7516.6 और ऊपर में इसे 0 दे दीजिए 0.0 और इसको जोड़ दीजिएगा पूरा टोटल जोड़िएगा, तो ये इतना नहीं इससे ज़्यादा आएगा क्योंकि भले ही दिया है या ना 22,623 दिया लेकिन इससे ज़्यादा आएगा, इसको ऐड करके आप लोग टोटल जो होगा वही हो जाएगा ठीक है टोटल किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य है, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन कर रहा है, तो राज्य पूछ रहा है भारतीय राज्य कौन कौन सा है, तो गुजरात राजस्थान पंजाब और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ठीक है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा जो है बांग्लादेश के साथ होता है 4096, कारण क्या आपको लगता नहीं होगा बांग्लादेश के साथ कैसे है, लेकिन देखिए बांग्लादेश ध्यान से देखिएगा तो ये जो अपना जो भारत जो है यहाँ पर ऐसे मान के चलिए कि ये जो है ये जो एरिया जो ऊपर आपका आ जा रहा है कौन सा उत्तर पूर्व वाला एरिया ठीक है, उत्तर पूर्व वाला एरिया चला जा रहा है, यहाँ देखेंगे ना तो ये जो है ना ये पूरा के पूरा ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है ना बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है इसीलिए ज़्यादा किलोमीटर हो जाता है 4096 हो जाता है। सिक्किम तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, यानी नेपाल से घिरा हुआ है एक साइड से, ये मान के चलिए सिक्किम इधर नेपाल है इधर भूटान ऊपर में चाइना है। उत्तराखंड के तीन जिले जिनकी सीमा तिब्बत के साथ लगती है यानी चीन के साथ लगती है, वही तिब्बत या चीन के साथ लगती है, तो उत्तरकाशी चमोली और पैथरागढ़ जो है ये सब जो है जगह जो है किसी के साथ लगती है चीन यानी तिब्बत के साथ लगती है। अगला देखेंगे लो गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद देशों के मध्य है, तो किसके किसके मध्य में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ये गिलगिट का और बाल्टिस्तान के ये दो जगहों का विवाद है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे आएगा तो याद रखिएगा पाकिस्तान ठीक है, नाम से ही दिख रहा है बाल्टिस्तान ये पाकिस्तान। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के उभयनिष्ठ जिले, तो नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो पीलीभीत है लखीमपुर खीरी है बहराइच है श्रावस्ती है बलरामपुर है सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सब जो है नेपाल से सटे हुए हैं। वही बिहार का पूछता क्योंकि बिहार का एग्जाम है, ये तो नेपाल का दिया हुआ लेकिन इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये उत्तर लेकिन बिहार का आपको ज़्यादा जरूर जानना जरूरी है, बिहार का पूछेगा तो बिहार का 7 जिला जो है नेपाल सटा हुआ, ये आपको ये बिहार का प्यारा सा मैप आप लोग को देख लीजिए ठीक है, और बिहार के 7 जिले सटे हुए, पहला है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया किशनगंज, इसको याद करने का ट्रिक है, ये चंपारण तो दोनों याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, क्योंकि ये पश्चिम साइड है तो पश्चिमी चंपारण और ये पूर्वी साइड है तो पूर्वी चंपारण, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना ये आप लोग तो याद हो जाएगा पश्चिमी पूर्वी चंपारण, उसके बाद याद करिएगा सीतामा तो सीतामढ़ी सीतामा से सीतामा मद लेने ठीक है, यानी मधुबनी सुपा लेकर यानी सुपौल नदी की आरी गई तो नदी की आरी से याद रखिएगा अररिया, तो वहाँ पर कौन दिखा किशन दिखा ठीक है, किशन मतलब कृष्ण ठीक है, तो किशन दिखे ठीक है, तो याद रखिएगा ये चंपारण पश्चिमी और पूर्वी दोनों याद रखेगा क्योंकि ये पूरब साइड में है तो पूर्वी और ये पश्चिम साइड में है तो पश्चिमी चंपारण, चंपारण दोनों याद आ जाएगा। उसके बाद सीतामा यानी सीतामा से सीतामढ़ी मद लेने यानी मधुबनी उसके बाद से सुपा लेकर सुपौल नदी की आरी तो अररिया और कौन वहाँ पे मिला तो किशन मिले ठीक है, तो किशनगंज हो जाएगा। ये सातों जिला जो है ये किससे लगा हुआ है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नेपाल से सटे हुए हैं ठीक है। उसी तरह नीचे का भी याद कर सकते हैं, कैमूर और रोहतास के बाद औरंगजेब गया यानी औरंगाबाद गया, वादा करके यानी नावादा है ना, उसके बाद वादा करके क्या लेने गया था जामुल लाने यानी जमुई ठीक है, जमुई के बाद बाकी लगा दिया बांका, उसके बाद भाग गया तो भागलपुर, उसके बाद भाग गया तो उसके बाद क्या किया यहाँ पर भाग के बाद यहाँ पर आ जाएगा तो मुंगेर आ जाएगा ठीक है। तो ये चीज़ें अगर वो पूरे मैप को भी बहुत आप लोगों को लाइव क्लास में पूरे याद करा दूंगा, वो उस तरह से गंगा नदी से कितने जिले सटे हुए 12 जिले को भी पूरे ट्रिक के हिसाब से याद करा दूंगा, वो याद हो जाएगा है ना, कि क्योंकि वो सब छोटे छोटे बच्चे याद कर जाते हैं, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। भारत के पड़ोस देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये कह रहा है कौन कौन देशों के साथ, बस इतना याद रखिएगा बांग्लादेश एक नंबर, उसके बाद चीन तब पाकिस्तान ठीक है, ये तीन कम से याद रखिएगा। और अफगानिस्तान जैसे कि मैंने बोला 106 किलोमीटर उसके सबसे कम जो है अफगानिस्तान में, लेकिन प्रेजेंट में जो है अभी भूटान है क्योंकि अफगानिस्तान वाला रास्ता तो छिक ही लिया है।
तो अभी प्रेजेंट भूटान है, म्यांमार उससे, उसके बाद नेपाल जो है, याद रखिएगा ये चार नंबर में है ऊपर से, याद रखिएगा नेपाल जो है बीचों बीच में हो जाएगा, तीन ऊपर तीन नीचे, नेपाल जो है बीचों बीच में है, ठीक है। तो नेपाल जो है, अगर क्वेश्चन अगर म्यांमार, नेपाल और भूटान में आता ना तो कन्फ्यूजन हो जाता, ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, ये तीन चीज़ें कन्फ्यूजन होता आपको, बिल्कुल कन्फ्यूजन होता। कैसे कहता कि निम्न में से अवरोही क्रम में जो भारतीय सीमा को सजाइए, या पड़ोसी देशों को, भारतीय के पड़ोसी देशों को अवरोही क्रम में सजाइए, और ऑप्शन में यही रहता है नेपाल म्यांमार भूटान, दूसरा ऑप्शन रहता म्यांमार भूटान नेपाल, मतलब इसी को बदल के देता। तो याद रखिएगा इन तीनों में, क्योंकि ये तीनों तो याद आ ही जाएगा, बांग्लादेश के बाद चाइना, देखने से भी लग रहा है कि चाइना होगा, उसके बाद तीन नंबर पर पाकिस्तान भी दिमाग में पकड़ लीजिएगा, लेकिन नेपाल भूटान और म्यांमार में कन्फ्यूजन होता आपको, तो रट लीजिए नेपाल है एक नंबर पे, उसके बाद से म्यांमार है, तब जो है भूटान है, ठीक है, तब क्या है भूटान है, ठीक है। तो नेपाल म्यांमार उसके बाद भूटान, ठीक है। तो पहले एन तब एम, एम एन आता है ना, तो एम पहले आता है एन आता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर लीजिएगा, पहले एन तब एम, यानी नेपाल पहले म्यांमार बाद में, उसके बाद भूटान और अफगानिस्तान। तो मोस्टली लोगों को पता है कि सबसे कम जो है बॉर्डर लाइन 106 किलोमीटर का करता है साझा, ठीक है, तो वो चल पकड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं चल पाता, ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है। अगला भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे, अब आएंगे तो भारत को बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, एक तो भारत को इसमें चार भागों में बांटा गया, लेकिन किताबों में छः भाग दिया है, और छः भाग ही आपको याद रखना है, क्योंकि NCERT और SCERT कहता है कि छः भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे उत्तर का पर्वत, उसके बाद बृहद मैदान दो नंबर पर, और उसके बाद प्रायद्वीपीय जो लिखा है ना, तो प्रायद्वीपीय आपका उसमें दिया हुआ है पठार, और भारतीय तट एक अलग दिया है, द्वीप अलग दिया, और मरुस्थल अलग दिया हुआ है, यानी ये चार, ये पाँच और छः नंबर मरुस्थल, छः भागों में बांटा गया, याद रखिए भारतीय, भारत का भौतिक स्वरूप को कितने वर्गों में बांटा गया, छः भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। अगला SP चटर्जी ने भारत के प्रकृति विभागों को स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के उप विभाग में रखा था, यानी उत्तरी दक्कन पठार, इन्होंने कहा था, किसने, SP चटर्जी। अगला, अब ये जो चट्टान जी है, ये आर्कियन चट्टान जो है, ये आर्कियन सेल समूह है, ये धारवाड़, उसके बाद से धारवाड़ समूह का है, पुराना जो है सबसे विध्वंस में आ जाएगा, ये पूरा प्राचीन भी है, और पहले के भी है, भ्रंश घाटी वाला है पहाड़ी, उसके बाद द्रव्यण का आर्डोविशियन हो जाएगा, आर्यन युग का ये गोडवाना समूह हो जाएगा, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है, यानी कि जो दक्कन ट्रैप है उसका निर्माण कब हुआ, तो मेसोजोइक महाकल्प में, क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। अगला, दक्कन ट्रैप जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है दक्कन ट्रैप, और यहाँ की जो मिट्टी होती है काली पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो है काली मिट्टी की प्रधानता है इन क्षेत्रों में। उसके बाद ट्रैप मेघालय, केरेवा काश्मीर घाटी, उत्खात भूमि चंबल घाटी, और पाट भूमि रांची पदार्थ में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, तो ट्रैप मेघालय जो है सम्मिलित नहीं है। अगला, मतलब कि इन सभी में ट्रैप जो मेघालय जो है ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये सब पूरा प्राचीन है, ठीक है। अगला, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है, तो भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि जो बनी है अग्नेय और कैंतरी चट्टानों से बनी हुई है। गोंडवाना तंत्र सेल प्रमुख पाए जाते हैं, तो प्रमुख जो पाए जाते हैं वो चार भागों में, छोटा नागपुर के दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी, गोदावरी, वैनगंगा, वर्धा घाटिया कक्ष, ये सभी क्षेत्र दिया गया है ना, कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ें पाई गई है। अगला, थार मरुस्थल कक्ष केरन मध्य गंगा मैदान काश्मीर और कर्नाटक में से जहाँ चतुर्थ तंत्र शैली नहीं पाए जाते वो कौन सा क्षेत्र है, वो कर्नाटक हो जाएगा। पाट भूमि पाई जाती है, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, पाट जो भूमि है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा पाट जो भूमि है वो छोटा नागपुर क्षेत्र का है। रांची पठार उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, रांची का पठार जो उदाहरण है, उत्थित संप्राय मैदानों का उदाहरण है। अगला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, भारत के सबसे और दुनिया में भी प्राचीनों में से एक पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान की भौतिक स्वरूप संरचना दृष्टि से भारत जिन उच्चवच प्रदेशों का हिस्सा है वो है उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। भारत के सबसे पहले खोजे जाने वाला यात्री था, तो भारत को मतलब भारत को खोजने वाला कौन सा यात्री था, याद रखिए भारत की खोज करने सबसे पहले नहीं, भारत की सबसे पहले खोज नहीं किया था, भारत के रास्ते की सबसे पहले खोज किया था, ये रॉन्ग है, ठीक है। भारत का खोज, भारत भुलैल थोड़ी तरीके खोज देगा, भारत के रास्ते का खोज किया था सबसे पहले किसने, वास्को डी गामा ने।
जो कि पुर्तगाल यात्री था 1498 को, 20 मई 1498 को ये पहुंचा था भारत में। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती जो है अंडमान, और लक्षद्वीप का पुराना नाम इसे तो मिनिका है ना, लकाद्वीप, लक्षद्वीप, ये बहुत सारे नाम इसके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और मणिपुर इम्फाल, मिजोरम, तो देखो मिजो, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा मिजो से आइजो याद रखिएगा, ठीक है। मणिपुर तो मणि इम्फाल, ठीक है, तो ना मणिपुर से क्या हो जाएगा इम्फाल, और मिजो आइजो। उसके बाद से सर्वाधिक तट रेखा वाली मेघालय, शायद इसमें नहीं दिया, तो मेघालय का शिलोंग याद रखिएगा। उसके बाद सर्वाधिक तट रेखा वाली भारतीय राज्य जो है, यानी तट रेखा, यानी तट जिसे समुद्र से ज़्यादा घिरा हुआ था, ये हो गया तट रेखा वाला गुजरात हो जाएगा, क्योंकि तट यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। गुजरात है 1214.70 किलोमीटर है। मेघालय की राजधानी दिया ही है यहाँ पर, देखिए शिलोंग है ना, तो मेघ है, मेघ मतलब बारिश जो है, उसके बाद तो बारिश से तो क्या हो जाएगा, आपको सिलना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी जो है घर के अंदर या कोई भी चीज़ फटा हुआ है तो सिलना ही पड़ेगा। तो इस तरह याद रखिएगा मेघालय शिलोंग, या याद होगा डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं ना। कभी कभार ये पूर्वोत्तर भारत की जो राजधानी देती है ना, तो वो बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। नागालैंड, तो नागालैंड से क्या याद रखिएगा, कोहिमा है ना, तो नागा जो है नागालैंड से याद रखिएगा कोहिमा, ठीक है। स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम देश में स्थित है, तो नारकोंडम जो है ये भारत में, देखिए बैरब और नारकोंडम दोनों ही भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला शिलोंग के पठार मेघालय के नाम दिया गया, शिव प्रसाद चटर्जी ने दिया था। तमिलनाडु का तट कहलाता है, तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल कहलाता है, जो कि आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमरुन तक है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और तमिलनाडु का पूरा हिस्सा, जो तटीय जो क्षेत्र है, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए, ये मान के चलिए अपना जो ये वाला एरिया को बोला जाता है कोरोमंडल तट, और वही इस वाले एरिया को बोला जाता है मलाबार तट। याद रखिएगा लौटते मानसून के क्रम में कोरोमंडल तट पर बारिश होती है, और मानसून के आगमन के समय में मलाबार तट पर बारिश होती है। अगला ये देखिए पॉइंट दे ही दिया है यहाँ पर, ए नंबर दिया है कोंकण है ना, ये नंबर क्या दिया है कोंकण। उसके बाद कनारा तट भी, मतलब कोंकण और कनारा मिला दिया यहाँ पर ए नंबर के क्रम में। उसके बाद से नीचे में दे दिया मलाबार तट बी नंबर। उसके बाद से आपका सी नंबर जो दे दिया है वो उत्तरी सरकार, ये सी नंबर उत्तरी सरकार, और डी नंबर जो है कोरोमंडल तट, यानी ये उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, ये मलाबार तट, ये कोंकण तट या कहा जाता है। अगला गारो राजमहल बीदर का निर्माण जो हुआ है वो क्या है, तो अर्ध भ्रंश घाटी द्वारा हुआ था, मतलब भ्रंश से हुआ था। अगला देखेंगे यहाँ तटीय क्षेत्र में, याद रखिएगा तट में गुजरात एक नंबर में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, तो बस दो तीन याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला याद रखिएगा, सबसे लास्ट वाला में क्या याद रखिएगा, तो याद रखिएगा पांडिचेरी जो है लक्षद्वीप के हिसाब से सबसे कम इसका जो है नहीं, इसमें ये है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को 42 किलोमीटर ही है इसकी, ठीक है, याद रखिए। अगला गोवा जो है ये भी बहुत कम है, राज्य के हिसाब से गोवा कम हो जाएगा, और टोटल ओवरऑल मिला देंगे तब अंडमान निकोबार के सबसे ज़्यादा और उसमें सबसे कम में क्या हो जाएगा, दादरा नगर हवेली हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, सबसे अधिक तटीय सीमा जो है गुजरात का, और सबसे कम तटीय सीमा जो है राज्य के मामले में देखा जाए, तो राज्य के मामले में अगर दिख रहा है तो कौन सा दिख रहा है, तो याद रखिए गोवा दिख रहा है राज्य के मामले में, मात्र 101 किलोमीटर है। केंद्र शासित में अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा, और सबसे कम में जो है दादरा नगर हवेली है जो सबसे कम है। अगला जी गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य आपस में बांटते हैं, तो कौन बांटता है, यानी ऊपर वाला ये मैदानी भाग और नीचे वाला पठारी भाग, बीच बीच में बांट रहा है, ये कौन सी पहाड़ी, ये पहाड़ी है विंध्याचल या विंध्यांश की पहाड़ी। कथन है वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है वहाँ मेसोजोइक महाकाल में एक लंबा गहरा एवं संकरा समुद्र स्थित था जिसको तेथी सागर कहा जाता था, ठीक है। दूसरा है कारण दिया हुआ है रीजन, छिछले समुद्र के लंबे समय तक निरंतर निक्षेप से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिससे भू हलचल के कारण वलय पड़ने से अल्पाइन मुड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी अल्पाइन मुड़दार पर्वतों के निर्माण की वजह से ही हिमालय का जो है विकास हुआ। अगला दिया हुआ प्रश्न अनुसार सही सुमेल इस प्रकार है, हिमालय, जम्मू कश्मीर, विंध्याचल, मध्य प्रदेश, अरावली, राजस्थान, सह्याद्री, महाराष्ट्र, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में, अरावली जो है राजस्थान में, विंध्याचल जो है मध्य प्रदेश में, हिमाचल जो है यही सॉरी हिमालय जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में है। अगला है पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर बताया, इधर से इधर जाएंगे तो टोटल 2500 किलोमीटर है हिमालय की लंबाई, और उतना ही आसपास में जो है गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की तरफ चौड़ाई देखेंगे तो उत्तर साइड में, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 160 से 400 किलोमीटर में है। याद रखिएगा इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ चौड़ाई दिख रही है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं ना, तो 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। चूँकि इस साइड में यानी पूरब से पश्चिम सॉरी ये पश्चिम से पूरब जाएंगे तो इस साइड में ज़्यादा और पश्चिम आते आते कम हो गया है, इधर 400 किलोमीटर और वही NCERT में जो है SCERT में 450 से 150 दिया हुआ है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणी है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे यानी नीचे से, ये मान के चलिए हिमालय तीन जो है अब नीचे से ऊपर जाइए, ये शिवालिक मध्य हिमालय और ये ऊपर वाला बृहद हिमालय, ये महान हिमालय का आ जाता है। हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, हिमालय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा भारत में सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, तो गहरी नदी घाटी पाई जाती है जो कौन सी है तो भागीरथी और अलकनंदा है, जो दोनों मिलकर ही क्या बनाता है लोग देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करता है लोग। हिमालय भ्रंश का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, तो हिमालय भ्रंश भी देखेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो जाएगा मुख्य सीमा भ्रंश, उसके बाद से मुख्य केंद्रीय भ्रंश, उसके बाद उत्तरी हिमालयन भ्रंश, उसके बाद आ जाएगा हिमालयन भ्रंश। महान हिमालय क्रोड निर्मित है, महान हिमालय जो है क्रोड जो है निर्मित है वो किससे निर्मित है तो याद रखिएगा महाकल्पिक सैन्य और आर्कियन शैलों द्वारा निर्मित है, और इसके क्रोड में जो है ग्रेनाइट वगैरह पाया जाता है, ये चीज़ें आप NCERT में पढ़े होंगे। उसके बाद लिखा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी तो टर्शियरी कल्प में हुआ था, जवादी पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु राज्य में, सही सुमेल। अब यहाँ पर देखिए पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच में जो है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच में, एक्चुअली है क्या एक्चुअली में देखिएगा तो ये हिमालय तीन प्रकार का हो गया, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकली है सिंधु नदी, उसके बाद यहाँ से एक और ही नदी निकली है उसका नाम है सतलज नदी, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय ये हिमालय का नाम है पंजाब हिमालय, और इसी हिमालय का नाम है काश्मीर हिमालय, ठीक है। उसके बाद आइएगा तो सतलज के बाद यहाँ पर आ जाएगा काली नदी आ जाएगा, सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उस हिमालय का नाम है कौन सी हिमालय कुमायूं हिमालय, इसी को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद से काली के बाद से तीस्ता, ये देखिए हिमाचल हिमालय जो है ना ये इसमें NCERT में इसमें दिया हुआ है, मतलब कि एक ही में तीन दे दिया है, पंजाब हिमालय काश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय NCERT में, लेकिन बिहार बोर्ड में इसको पंजाब हिमालय काश्मीर हिमालय बोला है और इसको बोला है यानी कि सतलज तू काली नदी के बीच में जो हिमालय उसको बोला है पंजाब हिमालय सॉरी कुमायूं हिमालय, और कुमायूं के साथ साथ हिमाचल हिमालय। अब दोनों किताबों में अलग अलग दिया है लेकिन दोनों किताबों का डाटा है देखना जरूरी है। अब काली के बाद यहाँ ये तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में जो है नेपाल हिमालय, कौन सी वाली नेपाल, और उसके बाद तीस्ता के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर असम हिमालय बीच में आ जाएगा, ये किस किस नदी के बीच में तो तीस्ता और दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है असम हिमालय है। लघु हिमालय की शैलधार श्रेणी फैली हुई हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिस पर्वत श्रेणी पर स्थित है वो क्या कहलाती है धौलाधार श्रेणी कहलाती है, ये धौलाधार जो है हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल श्रेणी भाग है लघु या मध्य हिमालय की, याद रखिएगा ये हिमालय तीन प्रकार को इसके ऊपर में इसके अलावा जो है चार हिमालय और है, मतलब उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर जो इसका हिस्सा है और पीर पंजाल जो है इसका हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जास्कर जो है महान हिमालय का हिस्सा और पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय का हिस्सा है या मध्य हिमालय का हिस्सा है, तो काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल ये चार जो है ये ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। अगला हिस्पार हिमनद संबंधित, हिस्पार जो हिमनद है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, हिस्पार मैकाले श्रेणी स्थित है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, मैकाले है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ आप लोग बीचों बीच में है विंध्याचल पहाड़ी, उसके नीचे है सतपुड़ा, उसके नीचे अजंता, इस साइड में है मैकाले पर्वत, ठीक है। उससे उसकी ऊंची चोटी अमरकंटक, वहीं से नदी निकलती है सोन नदी, नर्मदा नदी और एक महानदी, ठीक है। अगला कह रहा है अरावली हिमालय मैकाल पहाड़ी वस्तुत है, ये अवशिष्ट पहाड़ी है, अरावली हिमालय विंध्याचल और सतपुड़ा में से नवीन जो पर्वत है वो तो हिमालय ही है सबसे नया। और अगला सैल के तालचर श्रृंखला संबंधित है, निचले गुडवाना से संबंधित है, दून घाटी अवस्थित है शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में स्थित है।
उसके बाद आ जाएंगे अगला कथन और उसका रीजन देखेंगे लोग। तो भारत की एक उच्च प्रवणता की भूकंपीय पेटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा, हिमालय क्षेत्र के अनुदर्ध उत्क्रम मेखलाएँ जो है स्थित है। बिल्कुल ही दोनों सही है। अगला देखेंगे काश्मीर घाटी में डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय। अगला है काश्मीर घाटी स्थित है जास्कर एवं पीर पंजाल। काश्मीर घाटी जो स्थित है ये कहाँ है? जास्कर एवं पीर पंजाल। करेवा निर्माण पाए जाते हैं ये काश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं करेवा का, ठीक है। करेवा जो है निर्माण पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? काश्मीर हिमालय में। अगला देखेंगे काश्मीर घाटी के महीन गाद से निर्मित समतल सतह युक्त चबूतरे जाने जाते हैं ये करेवा नाम से जाने जाते हैं। तो करेवा समझ आ गया किसे कहते हैं, और करेवा का निर्माण जो होता है काश्मीर हिमालय में होता है, करेवा कहते किसे हैं? तो काश्मीर घाटी में एक महीन गाद के द्वारा निर्मित जो है समतल सतह युक्त जो चबूतरे होते हैं उसको करेवा कहा जाता है, यानी मिट्टी जमा होता है एकदम चबूतरा टाइप का, उसको बोलेंगे करेवा बोलेंगे। करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं, करेवा जो मिट्टी वहाँ पर केसर के कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेवा के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा गया होगा बार बार, इसीलिए ये दिया हुआ है। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है कुमायूं हिमालय में, ठीक है। कुमायूं हिमालय जो है और उस क्षेत्र में केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी ये मेघालय में, राजमहल की पहाड़ियाँ बेसाल्ट निर्मित और लावा प्रवाह से भी ढकी हुई है राजमहल की पहाड़ी, और यह है झारखंड में। पश्चिमी घाट जो है ये पठारों का कागार है। पश्चिमी घाट को अन्य नामों से पुकारा जाता है, तो सहयाद्री के नाम से याद रखिएगा। और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट को जो मिलाता है वो है नीलगिरी की पहाड़ी, यानी कि अगर ये देखेंगे तो ये अपना दक्षिण भारत जो हो गया इस साइड में आता है पश्चिमी घाट और इस साइड में आता है पूर्वी घाट, और दोनों के बीच में जो पहाड़ी है उसको बोले जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, और इसकी सबसे जो ऊँची चोटी उसका नाम है दोदा बेटा। और नीलगिरी पहाड़ी के नीचे जो एक और पहाड़ी है उसको बोलते हैं अन्नामलाई, और उस अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है अन्नाई मोड़ी। ये किस पहाड़ी का है? अन्नामलाई की ऊँची चोटी है, जो अभी जस्ट बताया कि जो यहाँ से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नीचे जो आता है ये आता अन्नामलाई, यानी कि अन्नाई उसी की ऊँची जो चोटी है अन्नाई मोड़ी है। यानी देखिए पहाड़ का नाम होता है अलग, और उसकी जो जैसे पहाड़ श्रृंखला बहुत सारा उसमें देखिए ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये इसकी ऊँची चोटी अलग होती है। तो यानी पहाड़ का नाम है अन्नामलाई और ऊँची चोटी का नाम है अन्नाई मोड़ी, ठीक है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। अन्नाई मोड़ी जो स्थित है कहाँ? केरल में। याद रखिए कहाँ है? केरल में। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत है लगभग जो है समानांतर है, मतलब कि एक ही समान है क्योंकि दोनों ही भ्रंश घाटी द्वारा निर्माण हुआ, यानी जमीन धस गया तभी दोनों का निर्माण हुआ, इसीलिए एक ही समान है। माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, माउंट आबू या इसी को गुरु शिखर भी कहा जाता है, माउंट आबू या इसी को कर दीजिए गुरु शिखर का गुरु शिखर, ठीक है। अगला जो लिखा हुआ है कोड़ाईनाल जो पहाड़ी है ना, कोड़ाईनाल जो है ये पलनी पहाड़ी है। उसके बाद उदक कमंडल जो है ऊटी, जो ये नीलगिरी की पहाड़ी है जो तमिलनाडु साइड वगैरह में है, ठीक है। शिमला जो है ये शिमला जो है कहाँ है? तो धौलाधार श्रेणियों के क्षेत्र में। उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है, उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन आएंगे धौलीगिरा कंचनजंगा नंदा देवी कामेत शिखरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में बटाई, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूछा था कि नहीं पूछा था बताइए मित्रों, है ना, पूछा था कि नहीं पूछा था ये क्वेश्चन? ये सेम टू सेम तैयारी में पूछा हुआ था, पिछले जो री एग्जाम होने वाला है कैंसिल हुआ उसमें पूछा हुआ था, इसको पूछा हुआ था पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी इधर से इधर बैठाना हुआ, लेकिन शायद इसी क्वेश्चन बदला हुआ था, क्वेश्चन ध्यान नहीं रहा है, पूर्व से पश्चिम शायद दे दिया था, ठीक है। तो इसको पश्चिम से पूर्व बैठाएंगे, तो पहले कौन सा हो जाएगा? पश्चिम साइड में कामेत, उसके बाद नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा। याद रखिए कंचनजंगा तो सिक्किम साइड में सबसे लास्ट में ही होगा, धौलागिरी जो है आपका इस साइड में है एकदम, जो कि काश्मीर वगैरह साइड में हो जाएगा, जो कि धौलाधार जो है आपका हिमाचल वाले क्षेत्र में हो जाएगा, उत्तराखंड हिमाचल वाले क्षेत्र में, नंदा देवी भी उसी के आसपास में, और कामेत हो जाएगा उसी के आसपास में। तो कामेत, नंदा देवी, तब धौलागिरी, उसके बाद कंचनजंगा। पूर्वी घाट पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई जो मिलती है कहाँ मिलती है? विशाखापट्टनम में मिलती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है ये जिंदागाड़ा लिखा हुआ, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है महेंद्रगिरी देता है, याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी, लेकिन एक्चुअली में सबसे ऊंची चोटी तो ये जिंदागाड़ा ही है, लेकिन देता है महेंद्रगिरी। अगला, भारतीय हिमालय की
सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो भारत भारत की, भारत का पूछ रहा है तो भारत का के टू, गाडविन आस्टीन कई बार बोला, भारत में पूछता तो कंचनजंगा। गाडविन आस्टीन जो के टू जो है ट्रांस हिमालय के काराकोरम का हिस्सा है, यानी कि जो अभी जस्ट होता है ये हिमालय तीनों फैला हुआ है, इसके ऊपर में ये काराकोरम, लद्दाख, ये जास्कर इसका हिस्सा और फिर पंजाल। तो ये काराकोरम के जो श्रृंखला आती है जिसमें जो सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है के टू, यानी कि गाडविन आस्टीन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। नाथुला जो दर्रा है अवस्थित है कहाँ भैया? तो नाथुला तो सिक्किम में, नाथुला और जलेपला दोनों ही सिक्किम में, इसे याद रखिएगा। ऐसे नाथुला और जलेपला से नाक जल गया, यानी नाथुला और जलेपला ये जो है यहाँ सिक्किम साइड में है। ठीक है, और उत्तराखंड में अगर रहता तो वो धर्मा नीति माना हो जाता। ठीक है, धर्मा नीति माना जो सब उत्तराखंड में, सारे दर्रा वगैरह को भी एक बार याद करा दूंगा पूरे डिटेल में मैप के साथ। अगला, सीवोक गोल दर्रा निर्मित किया गया है तो वो कहाँ? तो तिस्ता नदी द्वारा निर्मित किया गया है। सीप कीला दर्रा जो अवस्थित है ये सतलज नदी में अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। जो जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है वो लद्दाख साइड में। बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ जो जिला दर्रा जो है कश्मीर से लद्दाख को जोड़ रहा है, नाथुला सिक्किम से चाइना को जोड़ रहा है, सीप किला हिमाचल प्रदेश से चाइना की तरफ जोड़ रहा है, लेपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड से चाइना को जोड़ रहा है। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम बताइए। लघु हिमालय में बारामूढ़ा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है। जयलेपला अवस्थित है सिक्किम में। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में, तो तुजो मनीला ने यानी मणिपुर में। भोरनाथ, याद रखिए भोरघाट और ये भोरघाट जो है पालघाट और भोरघाट जो है ये भोरघाट है महाराष्ट्र में और पालघाट जो है ये है केरल में। थालघाट और भोरघाट ये सब महाराष्ट्र में हो जाएगा। पालघाट और सेनकोट एक और होता है, सेनकोट इसमें नहीं दिया, ये दोनों हो जाता है केरल साइड में यानी साउथ साइड में हो जाता है। अगला, हिंद महासागर में उसमें स्थित द्वीप जो है वो कौन से द्वीप है? तो याद रखिएगा, अच्छा इसमें पूछ रहे यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ। अब भारत की जो तटीय सीमा रेखा है वो 75.16 है। सर्क क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कोरी क्रिक स्थित है कक्ष के अड़न में, भारत और श्रीलंका के मध्य। सामेश्वर स्थित है पंबन द्वीप पर। भारत का एकमात्र प्रशुष्ट ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरम द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार में। बंगाल खाड़ी आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो वो था टालमी। डंकन पैसेज स्थित है तो ये लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य। डंकन पास यानी कि जो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान है, यानी देखिए अंडमान ये ऊपर वाला अंडमान हो गया, उसके नीचे हो गया दक्षिणी अंडमान, इसके बीच में है डंकन पास। ठीक है, और अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ लिखा भी है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में, यानी जो नीचे वाला लघु अंडमान हो गया और उसके बाद से निकोबार हो गया, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल। निकोबार द्वीप जो है 22 द्वीपों का समूह है, निकोबार द्वीप जो है 22 द्वीपों का है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। मुंगे यानी परवाल के जमाव से जो निर्मित द्वीप है वो है लक्षद्वीप, जो कि परवाल जो होता है ना एक जीव है, मरने के बाद एकदम चट्टान की तरह कठोर हो जाते हैं, उसी से द्वीप बन गया, तो वो कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। अगला लिखा है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है जी, दमन और दीव को अलग करती है खंबात की खाड़ी। दमन और दीव जो है उसको कौन अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी जो अलग करती है। एक्चुअली में देखेंगे तो ये हो गया गुजरात, आप लोग देखेंगे यहाँ है दमन और ये है दीव, तो ये बीच में जो है खंबात की खाड़ी है, ये अलग कर रही है इन दोनों को। सागर द्वीप, गंगा सागर स्थित है बंगाल की खाड़ी में, महाद्वीपीय मगध तट पर, यानी गंगा गंगा जो है डेल्टा उस वहाँ पर सागर द्वीप है। क्वेश्चन पूछेगा सागर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा वाले क्षेत्र में। कोरोमंडल कोकट तट, मालाबार तट एवं कनारा तट में से पूर्वी सागर तट यानी बंगाल की खाड़ी का जो भाग है, इन बंगाल की खाड़ी में जो है कोरोमंडल तट है। चूंकि अभी जस्ट देखे लो ये जो था यहाँ पर मालाबार तट था, कोकट तट था ना, ये कनारा तट था इस साइड में था, लेकिन कोरोमंडल जो है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ ही है ना, तो ये कोरोमंडल ही है। अब आइए प्रजाति हम जनजाति देखते हैं। सबसे बड़ी बड़ा भाषाई समूह है इंडो यूरोपियन, आर्य मूल प्रजाति से संबंधित है, पांचवा संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है मंगोलाइट एम निग्रोलाइट प्रजाति से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में तराई क्षेत्र में निवास करने वाले जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति है। अगला,
थारू जनजाति के बारे में एक और याद रखिएगा कि ये लोग दिवाली में दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो थारू हो गया और ये गोंड जनजाति प्रचुरता पाई जाती है मध्य भारत में पाई जाती है, और गोंड जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, याद रखिएगा। भारत की पहली जो जनजाति है वो भील जनजाति सबसे बड़ी है। अगला, कुल जनसंख्या से जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उच्चतम प्रतिशत है, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब होता है आदिवासी, ठीक है, और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे और राज्य में केंद्र शासित में देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं, मिस्की, आका, आपातानी, आदि, तगई, नईसी, मोम्बा, खम्बा, खोबा, खोवा, खापती, गालो, तई, ये सब क्या है? मिसमी बहुत बार पूछा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश की ये जनजाति है। अगला लिखा है भरमौर जनजाति का निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के जिले में चंबा में है। चंबा में कहाँ है? चंबा में। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वोच्च प्रतिशत वाला परंतु अनुसूचित जनजाति विहीन राज्य है। देखिए अनुसूचित जाति है लेकिन जनजाति जो है यहाँ पर नहीं, आदिवासी नहीं है, अनुसूचित जाति मतलब छोटे जाति है, पंजाब में। खांसी जनजाति का मूल निवासी जो है मेघालय की खांसी पहाड़ियों पर। अगला लिखा है कुकी जो है जनजाति ये मणिपुर की, बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर की है, और दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा चुका बहुत बार। फिर यहाँ लिखा है कि मजहबी पंजाब में है, मड़ीगा आंध्र प्रदेश में, महर महाराष्ट्र में है, उसके बाद बैगा मध्य प्रदेश में, भोटिया उत्तराखंड में, कर भी आसाम की है। इस साइड में आएंगे तो गुजरात का भील, मध्य प्रदेश का गोंड, नागालैंड का मिकिर, उड़ीसा का खोंड, ये सब जनजाति बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजी जनजाति निवास करती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। हो जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। देखिए हो और संथाल जो है ये बिहार झारखंड में पाई जाती है जनजाति। कादर जनजाति केरल और तमिलनाडु में। टोडा जनजाति जो है ये इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियों के, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु वाले राज्य जो है वहाँ जो पहाड़ियाँ है इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों पर जो जनजाति पाई जाती है वो टोडा जनजाति पाई जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ये नदी और उसके किनारे के नगर वगैरह देख लेते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी के को क्या जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जैसे ही गंगा नदी जाती है इसको पद्मा नाम से जाना जाता है, वही जब ब्रह्मपुत्र नदी जब जाता है बांग्लादेश में तो उसको यमुना यानी जमुना नाम से जाना जाता है। और दोनों ही मिलता है, जैसे गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही आके मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। अवध मैदान की प्रमुख नदी जो है वो घाघरा नदी है, और वही घाघरा नदी जो है ये इसको उत्तर प्रदेश में सरयू नदी और अपने बिहार में इसको घाघरा नदी कहा जाता है। कश्मीर घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती है। भारत के सुप्रसिद्ध जो है पूर्वगामी नदियाँ जो है यानी पहले से जो नदियाँ जो चलती आ रही है हिमालय के पहले से, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण आदि नदियाँ। पहला कथन लिखा उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विघटन का प्रतिफल है। दूसरा लिखा है कि पोटवार पठार क्षेत्र का उत्पात एवं मालदा गोप क्षेत्र का मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन से हुआ है। दोनों ही कथन जो सही है, मतलब ये भी अपवाह तंत्र से हुआ है। अपवाह तंत्र मतलब किससे? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, गंगा नदी के जो अवसादों से जमा हुआ ये क्षेत्र है जो भारत का जो उत्तरी भाग है। उत्तराखंड राज्य की नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए, यानी कि उत्तराखंड के जो नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी इधर से इधर आना है, तो इधर साइड में काली, उसके बाद से कोसी, नवार और टोंस नदी है। काली, कोसी, नवार और टोंस नदी है। नदियों की लंबाई के अनुसार बताइए, तो लंबी नदियों की लंबाई के अनुसार जो है गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, उसके बाद कृष्णा, यमुना और कावेरी जो है चार नंबर पर सबसे छोटी है इस चारों ऑप्शन में। गंगा नदी सतलज एवं रावी में से हिमालय से परे, हिमालय से पार यानी पार जो है नदी कौन सी है? तो सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। रावी, झेलम और चीनाम सतलज में से महान हिमालय के उत्तर में से जो उत्पन्न होता है वो होता है सतलज नदी, जो कि जो सतलज नदी होता है ना वो मानसरोवर झील के पास से निकलता है। सिंधु, काली, गोमती एवं सतलज में से सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? तो गोमती नदी जो है प्राचीन नदी नहीं है, ठीक है, याद रखिए गोमती जो है प्राचीन नदी नहीं है, बाकी सब प्राचीन है। गंगा डेल्टा उदाहरण है चापाकार डेल्टा का।
यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक से, महानदी सिहावा से, पेनगंगा सिंधु कोसी कावेरी में से बाढ़ आपाद के लिए मुख्य कुख्यात कौन है, यानी कोसी जो नदी है ये बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी जिन तीन मुख्य नदियों से मिलती है वो सोन, अरुण और तामूर नदी से मिलती है। हजारीबाग पठार, पारसनाथ पहाड़, पांचट पहाड़ी और पन्ना पठार में से एक, और ये अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है, पन्ना पठार है। 20,000 वर्ष किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र से अधिक नदी बेसिन की जो संख्या है वो है 14 नदी है ऐसी जिनका 20,000 वर्ग किलोमीटर से क्षेत्र में ज़्यादा इसका जो फैलाव है, मतलब अपवाह बेसिन बोलते हैं फैलाव, ठीक है। जिस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है वो कोसी नदी है। पश्चिम बंगाल का जो शोक था वो दामोदर नदी था, लेकिन अब नहीं है ये। कृष्णा इसकी सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती, यमुना का चंबल। दामोदर की सहायक नदी है हुगली नदी। नदी जिसके जैविक मरुस्थल कहा जाता है वो दामोदर नदी कहा जाता है। देवप्रयाग मिलता है अलकनंदा और भागीरथी। विष्णुप्रयाग में धौलीगिरा और विष्णुगंगा। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी ये नदियाँ मिलती हैं। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो है नर्मदा। ताप्ती नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी मतलब क्या होता है कि ये जो है विंध्याचल पर्वत और ये हो गया सतपुड़ा पर्वत और बीच के जो धंसवा जो क्षेत्र है उसको भ्रंश बोलते हैं। यहाँ से नर्मदा नदी और सतपुड़ा के नीचे है अजंता पहाड़ी, उसके नीचे से निकलती है, उसके बीच में से ताप्ती नदी निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम जो स्थल है वो मानसरोवर झील के पास में कैलाश पर्वत के बोगचू हिमानी जो तिब्बत है वहाँ से निकलती है। बोगचू हिमानी तिब्बत से निकलती है जो कि यहाँ पर आ जाएगा आपका जो ये जो हो गया ना, मान चलिए अपना प्यारा सा जो भारत हो गया है ना, ये जो है अपना प्यारा सा है ना, ये इस साइड में देखेंगे तो ना इस साइड में आएंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है मानसरोवर झील जो कि तिब्बत साइड में है और ये यहीं पर है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का जो ना बोगचू हिमानी जो है इसी हिमानी से जो निकलता है नदी कौन सी, सिंधु नदी निकलता है। अगला लिखा सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र यमुना में से सिंधु की एक सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की जो सहायक नदी वो है सतलज नदी है। काली सिंध नदी की सहायक नदी जो है चंबल नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। जबलपुर नगर स्थित है नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पणजी स्थित है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी ब्रह्मपुत्र सतलुज एवं सिंधी में जो सिंधु में से जिस नदी का उद्गम है, उद्गम भारत में होता है वो है गोदावरी नदी। अगला देखेंगे मंजरा प्राणहिता पेनगंगा और माही और गोदावरी की सहायक नदी जो है वो माही नदी जो है इसमें से गोदावरी की सहायक नदी है नहीं है, मतलब माही जो है सहायक नदी क्योंकि माही तो ऊपर में है और ये मतलब गोदावरी से ऊपर में है और ये कर करके कर दोबर काटती है। चंबल नदी घाटी का उदाहरण है उत्खात भूमि का। याद रखिए उत्खात भूमि का बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंबल नदी घाटी जो है उदाहरण है उत्खात भूमि का। ज्वार नदमुख यानी एस्चूरी बनाने लिए दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती। जो नदी पहाड़ के बीच से निकलती है ना वो एस्चूरी ही बनाएगी। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती। अगला है घाटी नगर श्रीनगर में, द्वार नगर रामनगर में, कटक नगर पौड़ी में। चपनाला झील स्थित है असम में। बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। लोनार झील है महाराष्ट्र में। पुल्लिकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील है जो कि मणिपुर में। नौकुचिया झील जो स्थित है ये उत्तराखंड में। सांभर झील जो है ये कहाँ है, तो राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। गोखुर झील जो है वो कहाँ है भैया, तो सुरहा ताल में। पलाया झील जो है सांभर, जो पलाया झील जो है उसमें उससे द्वारा कौची बनता है, तो सांभर जो झील बना हुआ है जो कि सबसे खारा है। क्रेटर झील किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लोनार झील को क्रेटर झील कहते हैं। सांभर झील क्या बोलते हैं, पलाया झील। गोखुर झील का उदाहरण जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा सुरहा ताल। लैगुन झील का उदाहरण जो है वो चिल्का है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। सबसे अधिक खारा सांभर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। क्रेटर झील जो है ये क्या, लोनार झील जो कि ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ है। कयाल है केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून, जो पाए जाने वाले लैगून जो है मलाबार तट पर जो पाया जाता है उसको कयाल कहा जाता है, ठीक है।
लैगून एक्चुअली में होता क्या ना, देखिए समुद्री, ये मान के चलिए कि ये जो हो गया ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट हो गया, ठीक है। अब ये पश्चिमी तट ऐसा थोड़ी कैसे सीधे ऐसे आया हुआ है, वो तो हम लोग बनाते हैं वैसे, एक्चुअली में सही मायने में देखा था ऐसे है, मान के चलिए ये ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कटा कटा है, ठीक है ना, ये ऐसे 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 बना हुआ, ठीक है। और ये उसी तरह आ गया, इस साइड में आ गया है ना, इस साइड में आ गया पूर्वी तट, तो है पूर्वी तट भी ऐसे ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, ऐसे से टेढ़ा टेढ़ा बना हुआ है, हम लोग तो सीधा बना नहीं देते लोग। अब होता क्या है, मान के चलिए कि किसी कारण से ये जो है, अब समुद्र का पानी तो पूरा अंदर ले घुस रहा होगा कि नहीं घुस रहा होगा, जहाँ इसका जगह तो जीवित करेगा, और बाद में ये ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पर ये जो जमा हो गया झील, इसी को बोलेंगे लैगून झील, क्या बोलते हैं लैगून झील। तो उसी तरह यहाँ आपका उड़ीसा में है महानदी के आसपास जो समुद्र जाके गिरती है, मतलब समुद्र में जाके गिरती है महानदी, वहाँ पर है लैगून झील, जिसको चिल्का झील कहा जाता है। उसी तरह केरल वगैरह बोलते हैं ना उसको कयाल कहते हैं, क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं, ठीक है। अगला जी, लैगून के लिए विख्यात भारतीय नगर पूर्व का बेसिन के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है, तो केरल का जो है अल्लेप्पी जो है, यानी अलपुंजा जो है, ये क्षेत्र जो है पूर्व का बेसिन नाम से जाना जाता है, पूर्व का बेसिन ये जो है केरल हो जाएगा, अलपुंजा। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर है शिव समुद्र जलप्रपात, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद लैंड सिंह जो है ये मेघालय में है, ये जलप्रपात है लैंड सिंह मेघालय में। अगला धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, और जो कि नर्मदा नदी द्वारा बनता है। दूध सागर जो है गोवा में है। नेखाली कई जो है मेघालय में है। नोखाली कई मेघालय में, बहुत इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें से ये दोनों पूछा जा चुका है। धुआंधार जलप्रपात बनने वाली जो नदी है वो नर्मदा नदी, अभी जस्ट बताया नर्मदा नदी नदी पर बनता है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगला जी जलवायु के बारे में जानते हैं, अगला टॉपिक। और ये घटनाचक्र बढ़िया है यार, मुझे लगता था कि इसमें पता नहीं कंटेंट क्या दिया नहीं दिया है, अच्छा है। किताब पढ़ने के बाद इसको अगर जो पढ़ रहे होंगे लोग, आप लोग को थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा, है ना, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ लिए होंगे, उसके बाद ये बेहतर कंटेंट इसमें दिया हुआ है। अगला, शीतकाल में उत्तर भारत में शीत लहरें चलती है, उत्तर भारत में क्या चलती है, शीत लहरें चलती है। कथन उसका रीजन दिया है, शीत ऋतु में हिमालय के पछुआ अवसादों के कारण भारी हिमपात होता है, ठीक है, तो दोनों कथन ही सही है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो अरबी भाषा का मौसम सबसे हुआ है। अगला, ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक के तड़ित झंसा से होने वाली जो वर्षा होती है उसको चेरी ब्लास में या फूलों की जो फूलों का बौछार जो कहा जाता है, याद रखिए कर्नाटक साइड में जो होता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा का मात्रा अवरोही क्रम में जो है ध्यान रखते हुए, अवरोही मतलब घटते क्रम में, है ना, तो कोलकाता इलाहाबाद, मतलब कोलकाता में ज़्यादा होगा, उसके बाद इलाहाबाद में कम होगा, अहमदाबाद में उससे भी कम होगा। पर्वतीय क्षेत्र जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है वो है खासी पहाड़ी, यानी गारो खासी पहाड़ी में, खासी पहाड़ी जो है बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ मिलती है। आम्र वर्षा होती है दक्षिण भारत साइड में, कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्रों में। 1 सितंबर को अमृतसर में पहुँच जाता है, 15 सितंबर को दिल्ली में पहुँच जाता है बारिश, मानसून पहुँच जाता है, नहीं मानसून को वापस होने की स्थिति कह रहा है, ये वापस होने की स्थिति, पहुंचने की नहीं, पहुंचना तो जून में पहुंच जाता है, वापस होने की स्थिति 1 सितंबर को अमृतसर से लौट जाता है, 15 सितंबर को दिल्ली से, 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से लौटता है, 15 नवंबर को बंगलुरु से लौट जाता है। भारत का शुष्कतम क्षेत्र जहां पर मतलब बारिश बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, वो है लेह, सूखा रहता है हमेशा। भारत राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं जो राजस्थान में एक्चुअली तो पहाड़ जो है ये नहीं रोक पाता है जो कि बादलों को, दूसरा हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती है, जिसके कारण उनमें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। अक्टूबर की गर्मी मुख्य कारण जो है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान है, ठीक है। पश्चिमी घाट से होने वाली ज़्यादातर वर्षा का प्रकार जो है वो पर्वतीय प्रकार है। केरल में मानसून पहुँचने की सामान्य जो तिथि है वो केरल में पहुँचती है कब, 1 जून को। भारत में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। अगला है, भारत के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी कौन सी है, तो उत्तर पूर्वी मानसून है। याद रखिएगा, लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है, और जाने वाला मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है, ठीक है। अगला, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जो है मध्य जून से लेकर सितंबर तक रहता है। अगला, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में अंतारा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी सरक जाती है, उत्तर की ओर सरक जाती है। आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है, और एक शाखा गंगा के मैदान से, दूसरी शाखा पंजाब और हरियाणा मिलती है।
उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। उत्तर जो उत्तर पश्चिम साइड में जो है यानी पंजाब वगैरह साइड में जो ठंडी के दिन में जो बारिश होती है उसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जो लगभग 3% होता है। इसको बहुत डिटेल से मैंने समझाया थ्योरी क्लास में। अगला लिखा है कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर आने वाली जो उत्तर की ओर आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करती है। दूसरा लिखा है कि इसका कारण लिखा है कि हिमालय विश्व की सर्वोत्तम न्यूनतम वलित पर्वत है, तो दोनों ही कथन सही है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून क्षेत्र जो है गंगा का मैदान है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तर का मध्य प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतम क्षेत्र है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा दक्षिण व पश्चिमी घाट जलवायु पाई जाती है, AMW यानी लघु शुष्क ऋतु पाई जाती है। कोपेन महोदय क्या बोलते हैं, इलाहाबाद साइड की जलवायु बताते हैं CWG। कोपेन द्वारा कोरोमंडल तट की जलवायु AS द्वारा शुष्क ग्रीम ऋतु। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में, जुलाई महीने में होती है सर्वाधिक वर्षा। मानसून के उत्पत्ति में तिब्बत के पठार तापीय प्रवाह को महत्वपूर्ण बताता है, ना कोटेश्वर एवं फ्लोम बताता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AF, AM, DF और CF से भारत में पाए जाने वाले जलवायु का प्रकार AM है। AS प्रकार के जलवायु पंजाब गुजरात तमिलनाडु असम राज्यों में से जिसमें पाई जाती वो है तमिलनाडु, यानी कि AS जो है तमिलनाडु में पाई जाती है ओनली, ठीक है। कोपेन वर्गीकरण में BSHW जलवायु इंगित करता है गर्म मरुस्थल एवं आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु। थार्नस्वेट में वर्गीकरण के भारत में अधिकांश भाग जो है जलवायु CAW जो है द्वारा पाया जाता है। एल नीनो तिब्बत पठार का तापमान हिमालय की अवस्थिति एवं दक्षिणी गोलार्ध में से भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन के प्रभावी भूमिका है। यह प्रभावी रूप से हिमालय में हिमालय की अवस्थिति यानी कि गौण रूप से सभी का है। हिमालय पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एवं सिंधु गंगा मैदान में से जहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है वह पश्चिमी घाट पर कोरोमंडल तट पर सबसे पहले आता है केरल साइड में। अरुणाचल प्रदेश छोटा नागपुर पठार मलाबार निम्न कर्नाटक पठार में से वर्षा सर्वाधिक विचलन मिलता वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है कर्नाटक के पठार में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है पश्चिमी घाट में हिमालयन क्षेत्र में और मेघालय के जो मानसीराम क्षेत्र है वहाँ पर। कोपेन के अनुसार कोलकाता जिस जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है वह है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। दिल्ली मद्रास मुंबई कोलकाता में से जिस महासागर में अधिकतम वर्षा तापांतर पाया जाता है वह है दिल्ली है। श्रीनगर जलपाईगुड़ी कोलकाता जोधपुर रांची में से जहां अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः अधिक होती है वह है जोधपुर। जयपुर पुणे जैसलमेर और बीकानेर में से शुष्कतम स्थल जैसलमेर है। कौन सा स्थल है, शुष्कतम स्थल जैसलमेर है। राजस्थान के पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु का प्रकार है शुष्क में ऋतु वाला मानसून प्रकार है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर जो जलवायु प्रकार पाई जाती है वो है AMW। अब ये राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और जयमंडल को देखते हैं लो आरक्षित क्षेत्र वगैरह को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, काजीरंग जो नेशनल पार्क है वो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में, उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में राजीव गांधी, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, उड़ीसा में सिमलीपाल, यहाँ केवलादेव घाना पक्षी राजस्थान में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, सुल्तानपुर पक्षी बिहार हरियाणा में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक अधिक ऊंचाई पर स्थित आरक्षित जीव मंडल क्षेत्र जो है वो है खंगडचेंड जोंग जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो उद्यान है उत्तराखंड राज्य का वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। हिमेश राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख 31 मई 2000 तक भारत में अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान जो है 106 हो गया है, जबकि किताबों में अभी भी 85 दिया हुआ बिहार बोर्ड किताबों में, दोनों ही याद रखिएगा।
नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार केरल में, बांदीपुर कर्नाटक में, केबुल लामजाओ मणिपुर में, और ये क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा जा चुका है। नोकरेक मेघालय में, ये भी जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीआरई में ही आया था कि नहीं आया था बताइए लो आप लोग, बिल्कुल आया था ये। नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु में। अगला देखेंगे, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण तैयार किया गया है एचसी चैंपियन एम सेठ द्वारा, एचजी चैंपियन और सेठ द्वारा। सुंदरवन आता है ज्वारीय वन के अंतर्गत आता है। देवदार वृक्ष जो है पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। चंदन वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नहीं पूछा हुआ था बताइए। उस चंदन वृक्ष जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। हिमालय में शंकु वृक्ष पाए जाते हैं 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर, शंकु वृक्ष जो पाए जाते हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश के दलदली एवं वन आच्छादित भूमि को जानते हैं तराई नाम से, और बिहार का जो तराई क्षेत्र है वो है, और बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र जो कि हिमालय से सटा हुआ जो 7 जिले थे, तराई पहाड़ मैदान एवं पहाड़ के वो उसने कटिबंधीय मानसून को भारत में कहते हैं, क्या कहते हैं भारत में उसको तराई कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा में पाए जाने वाला जो वृक्ष है वो है सुंदरी वृक्ष है। असम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से उसने कटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए थे ये उसने कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं तो असम में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल सभी पाए जाते हैं। सुंदर वन महानदी डेल्टा खम्बाती खाड़ी हम तराई में से मैग्रो का प्रमुख क्षेत्र नहीं है वो है तराई। भारत में सर्वाधिक विस्तार वाला मृदा जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है भारत में सर्वाधिक विस्तार वाला। भारतीय मृदा जिसमें ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पाई जाती है, जिसमें मृदा के पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए फेमस है, और रेगुर मिट्टी जो है वही काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। अगला लिखा हुआ है पंजाब मध्य प्रदेश और तमिलनाडु एवं बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी मृदा सबसे कम जो है, मतलब इनमें से जलोढ़ मिट्टी सबसे कम जो है मध्य प्रदेश में है। गुजरात प्रदेश में अधिकांश जो आच्छादित है वो काली मिट्टी है। लोएस्ट मिट्टी पाई जाती है चीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, है ना। भांगर मृदा पाई जाती है तराई के उत्तर और शिवालिक के साथ में, शिवालिक के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है भांगर और तराई कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टी को बटा हुआ 8 वर्गों में बांटा गया। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर के एवं झारखंड में जहाँ लाल मृदा विशेषता नहीं है वो जम्मू कश्मीर की। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश पंजाब एवं महाराष्ट्र में से जहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वो है महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और साथ साथ मेघालय वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। प्राकृतिक आपदाएँ इसमें देखेंगे, कोई प्रकोप एवं आपदा बन जाता है तब वो प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है मानव आवास को। प्राकृतिक आपदा जो भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है बाढ़ और सूखा जो है ये प्राकृतिक आपदा है। कोयना में भूकंप आया था 11 सितंबर 1967 को। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी से भारत का भाग जो है पुण्यता सागर में डूब गया था, वो है इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेनियन पॉइंट जो है भारत का जथनी जो बिंदु है वो डूब गया था, ठीक है। अगला भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा जो है भूखलन भूकंप ज्वालामुखी क्रिया इत्यादि। 26 जनवरी 2001 के भारत के जिस राज्य में एक बड़ा भूकंप आया था वो है गुजरात। उड़ीसा राज्य भूकंपीय मंडल के अंतर्गत आता है, भूकंपीय मंडल के अंतर्गत जो आता है वो अल्प तीव्रता क्षेत्र हो गया। वर्ल्ड वेदर वॉच WWW कार्यक्रम पूर्व सूचना को संबोधित करता है तापमान और वर्षा को। तीस्ता घाटी रांची पठार और कोंकण रायलसीमा में से वह क्षेत्र जो भारत का सूखा क्षेत्र है तो वह है रायलसीमा। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता जिससे ऋतु में से सबसे अधिक होती है वह है लौटती हुई मानसून। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बिहार और उड़ीसा राज्यों में से भूकंपीय जोखिम न्यूनतम है उड़ीसा में, सबसे कम कहाँ है उड़ीसा में। जैव विविधता देखेंगे, EBS वाला टॉपिक आ गया और इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट में से वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी गर्म स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी जाती वह है पूर्वी घाट। पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वो है IIPS मुंबई। जैव विविधता की अधिनियम भारत के लोकसभा द्वारा पारित किया गया 2002 में।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में, याद रखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव जो है 1972 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, चार हॉटस्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत और म्यांमार का क्षेत्र, और सुंदर जो स्विट्जरलैंड है ये स्विट्जरलैंड के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह। भारत में आरक्षित जैव मंडल के क्षेत्रों की संख्या जो है 18 है। भारत का सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। केरल में हाथियों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य पेरियार है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण गठन किया गया है 1985 में। मूक घाटी आंदोलन संबंधित है केरल से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट संबंधित है केरल से। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है पेड़ों को बचाना। दिल्ली आगरा शहरों में से निकलने वाली कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है यमुना नदी को। भारत सरकार के क्लाइमेट एंड एक्ट प्लान के 8 लक्ष्य हैं। जलयानों और अपतटीय मंचों में से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण सरकार भारत सरकार करती है। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। हिमालय छोटा नागपुर पठार और मैसूर के पठार विध्वंस के पठार में से जहां पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत के उच्चतम है, तो छोटा नागपुर पठार में हिमालय पश्चिमी घाट एवं पूर्वी उत्तर पूर्व विध्यांचल में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट में से संबंध नहीं रखता है, तो विध्यांचल नहीं रखता है। अभी चार हॉटस्पॉट अभी जस्ट देखें लो, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, सुंदरवन एवं साइलेंट घाटी में से वह क्षेत्र जो पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में स्थित है वह है सुंदरवन। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत में जालीय राष्ट्रीय जल नीति जो है 1987 से शुरू किया गया था, उसके पश्चात 2002 में फिर दोबारा हुआ था। भारत में नहर सिंचित क्षेत्र में कृषि भूमि का लवणीय भूमि बदलने के मुख्य कारण जो है वो अत्यधिक जो है सिंचाई होने की वजह से। कृषि सघनता 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत 48.73%। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है नलकूप और कुएँ हैं। कुरनूल कुड़प्पा नहर निकलती है तुंगभद्रा नदी से। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहर थी पश्चिमी यमुना नहर। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक नीवल सिंचाई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है सतलज और ब्यास नदी से। राजस्थान के जिस नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जल भराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र लवणीकरण द्वारा प्रभावित हुआ है वो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था दार्जिलिंग के पास सिद्रापोंग से। राणा प्रताप सागर कोटा का संबंध जल विद्युत उत्पादन से। राणा प्रताप सागर का निर्माण हुआ चंबल नदी पर। गांधी सागर जलाशय का निर्माण हुआ चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है, वो है राजस्थान में। गांधी सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। रिहंद परियोजना जो है गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर पर बना हुआ है। रिहंद परियोजना जो निर्मित है वो उत्तर प्रदेश में। महानदी जो है हीराकुंड हो जाएगा इससे जो परियोजना मैच करेगा महानदी पर। तो हीरा जो एक्चुअली में महान ही होता है, तो हीराकुंड जो बांध हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, महानदी पर। भाखड़ा नंदल बांध हो जाएगा सतलज पर। गांधी सागर बंद चंबल पर। काकरा पार जो है ताप्ती नदी पर गुजरात में है, ठीक है। परियोजना देखेंगे तो नहीं सॉरी ये गुजरात में नहीं होगा, काकरा पार याद रखिएगा, ठीक है। ये नीचे दक्षिण साइड में जाएगा। अलमंटी जो होगा कृष्णा पर, यानी अलमाइटी इसको भी बोलता है, अलमाइटी परियोजना जो है कृष्णा नदी पर। इडुक्की जो है परियोजना पेरियार नदी पर। रणजीत सागर रावी नदी पर। उकाई जो है ये तापी यानी ताप्ती नदी पर। पेचम पा जो है गोदावरी नदी पर। अगला देखेंगे नागार्जुन कृष्णा नदी पर। नांगल बांध सतलज पर। मैथान बांध बराकर पर। माल परवर घाट परवर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है कर्नाटक में। परम्बीबुलम जो है जल विद्युत परियोजना केरल में। बगलिहार सलाल दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू और कश्मीर में। चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। बरगी बांध परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। कायना जल विद्युत परियोजना जो है स्थित है ये कोयना नदी पर। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। तिलैया बांध बराकर नदी पर। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी और बिलंगना।
भागीरथी नदी पर भागीरथी एवं बिलांगना संगम के पास में स्थित है। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई बाढ़ नियंत्रण पेयजल आपूर्ति। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर माही जो है यह परियोजना बनकोबरी उस क्षेत्र में अवस्थित है। फरक्का बैराज जो है पश्चिम बंगाल में। नर्मदा सरदार सरोवर जो है सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना हुआ जो बांध है सरदार सरोवर बांध है। दामोदर घाटी मैथान में नर्मदा परियोजना विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित जो है। और ये भी क्वेश्चन जो है टीआरई में आप लोगों को पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान से, और उसी में ऑप्शन में दिया था आंध्र प्रदेश किसी किसी ऑप्शन में, तो ये था ऑप्शन सही था, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजनाओं के विरोध का सबसे बड़ा कारण है विस्थापित का असंतोषप्रद पुनर्वास। मेजा बांध स्थित है कोठारी नदी राजस्थान पर, कोठारी सहायक नदी है बनास की। सेलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है जल विद्युत शक्ति से। शिव समुद्र जल विद्युत गृह स्थापित है कर्नाटक में। औद्योभूमिक जल सतही जल ग्लेशियर एवं बांध एवं जलाशय में जिस पोत में भारत के जल संधारण की सभ्यता में सर्वाधिक है वो है सतही जल। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है कर्नाटक। तुंगभद्रा पंचकुंड गंडक पेरियार परियोजना में से वह जो केवल एक ही राज्य में सीमित है वो है पेरियार परियोजना। पंचेथील बांध जो है ये दामोदर नदी पर। माताटीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। माताटीला जो है ये बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर। टेरी बांध भागीरथी नदी। अब कृषि और फसलों को देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। कृषि प्रदेश विभाजित किया गया किसने किया, तो पी सेन गुप्ता ने। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य जो है वो पंजाब है। 2020-21 में कुल खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादक राज्य खाद के उत्पादन में सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश, तब पंजाब है। खरीफ फसल की अवधि जो है जून से अक्टूबर के बीच में रहती है। रबी फसल अक्टूबर टू अप्रैल रहती है। जायद फसल मार्च जुलाई वगैरह में रहती है। गंगा का निचली मैदान जहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान में साथ आर्द्र बनी रहती है सर्वाधिक होती है धान और जूट की फसल। हरित क्रांति शब्दावली जो है डॉक्टर विलियम गैड। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। भारत में हरित क्रांति का मुख्य रूप से फसल हुए थे पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। काली यानी श्याम क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। पीत क्रांति जो है तिलहन से है। बादाम क्रांति जो है चमड़ा से। बर्तुल क्रांति आलू उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। तिलहन गेहूं चावल एवं दाल में से वह फसल जो भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है वह है तिलहन, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। स्थानांतरी जो है ये नागा पहाड़ियों में कृषि होती है, इसको झूम कृषि भी कहा जा सकता है। जीविका प्रकार की कृषि होती है वो गंगा का डेल्टा साइड में। वाणिज्य कृषि अमेरिका और प्रेरी अमेरिका में ही प्रेरी घास के मैदान है वहाँ पर होती है। रोपण जो है असम के बगान में होती है। असम में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। धान का कटोरा कृष्णा और गोदावरी के मैदान कहते हैं। चावल का वृद्धम उत्पादन पश्चिम बंगाल में। गन्ने के उत्पादन में घटते क्रम में यानी उत्तर प्रदेश सबसे आगे, महाराष्ट्र दो नंबर, कर्नाटक तीन, तमिलनाडु चार। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन केरल में। तंबाकू का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन ब्राजील में। भारत में चीनी उत्पादक में एक नंबर जो है वो है उत्तर प्रदेश। मक्का उद्गम स्थल का जो है लैटिन एम उत्तरी अमरीका है। गंगा नदी में चावल की गहन कृषि हेतु उत्तरदायी है। निम्न में समतल भूमि होना चाहिए, नवीन जलोढ़ मृदा होना चाहिए, पर्याप्त श्रम संबंधी इत्यादि होना चाहिए। गंगा के मैदान में ज़्यादातर किसान किस प्रकार कृषि करते हैं, गहन कृषि करते हैं। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कर्नाटक में। किस योजना आयोग, भारत में योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्राधिकरण के आधार थे उच्चावच तापकरण एवं वर्षा उत्पादी। भारत में फूलों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है वो कौन सा है, तमिलनाडु है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना 1985 में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन संभावना है। उथले महाद्वीपीय
मगन टाटो से। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वरक भूमि बुआई के समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसे जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती है। अगला कथन दिया हुआ है, कथन एक और दो यानी कथन और रीजन दोनों ही क्या है सही है। उसके बाद कथन दिया है कि पंजाब में हरित क्रांति को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। यहाँ बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों में नियमित सस्ते श्रम में आपूर्ति होती रहती है, तो ये कथन सही है। लेकिन बिहार में जो है नियमित सस्ते श्रम आपूर्ति होती रहती है, बिहार से जो है ये यहाँ बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों से नियमित सस्ते क्रम आपूर्ति होती रही है, तो बिहार से ये नहीं है, मतलब कि हर जगह से वहाँ पर श्रम वगैरह मिल जाते हैं सस्ते श्रम। उत्तर प्रदेश मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो घटते जगह ये तो सही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का वृद्धम उत्पादन, तो ये भी सही है, लेकिन दोनों सही है परंतु कारण जो है एक दूसरे से, मतलब ये कारण और बारिश से कोई मतलब नहीं है। आइए खनिज संपदा देखते हैं। लो खनिज संपदा में है उत्तर मैदान का वो असम, छोटा नागपुर, पठार, बस्तर, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, काठियावाड़ एवं थार मरुस्थल में से भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े दो किंतु संसाधन स्पृष्ट क्षेत्र हैं, वह है छोटा नागपुर पठार एवं बस्तर वाला क्षेत्र है। तालचीर जो कोयला क्षेत्र है वो उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा भाग इसका, उत्तरी कर्णपुरा झारखंड में। भारत का खनिज भंडार के नाम से जानते हैं छोटा नागपुर के पठार को। सर्वाधिक खनिज युक्त शैल जो है वो कौन सा है, तो धारवाड़ के चट्टान है। भारत के अधिकांश लौह धातु एवं अलौह धातु खनिज शैल समूह से मिलती है, वह है धारवाड़ समूह। वह शैल समूह जो पादप जीवाश्म में से सर्वाधिक संपन्न होता है वो गोंडवाना समूह से। भारत में सर्वाधिक खनिज संसाधन वाले जो राज्य है वह है राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बादाम पहाड़ जो है वो लॉयस के लिए फेमस है, कोडारमा अबरव के लिए फेमस है, मोशाबानी तांबा के लिए फेमस है, रवा खनिज तेल के लिए फेमस है, बाबा बुदन की पहाड़ जो है लॉयस के लिए फेमस है, सिंगरेनी जो है कोयला के लिए, जामर जो है जस्ता और सीसा, खेतड़ी जो है वो तांबा के लिए फेमस है। कॉपर सोना लोहा कोयले से जुड़े हुए है, तो कॉपर सोना लोहा ये खेतड़ी कोलार और ये कॉपर जो है खेतड़ी में, सोना जो है उसको लोना कोलार वाला क्षेत्रों में, केजीएफ वाला क्षेत्रों में, लोहा जो है कुद्रमुख में और कोयला जो है झरिया में। उसके बाद से खेतड़ी कोलार सिंधुई झरिया ये तांबा सोना उर्वरक और कोयला के लिए फेमस है। गिरिडीह बोकारो कर्णपुरा उत्पादन होता है, ये कोयला का उत्पादन होता है। वह शैल तंत्र जो भारत में कोयले का पर मुख्य स्रोत है वह है गुडवाना। अगला जी, भारत में कोयले प्रथम कोयले की खान खोदी गई थी रानीगंज झारखंड में। तालचीर कोयला खान स्थित है महानदी घाटी से। कोयले में संचित भंडार की दृष्टि से भारत में राज्यों का अवरोही क्रम देखेंगे तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में। भारत में लिग्नाइट उत्पादन वाले कोयले का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है नवेली तमिलनाडु में। सोन नदी घाटी स्थित कोयला क्षेत्र जो है सुहागपुर, राम कोला, तातापानी, सिंगरौली इत्यादि। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में। मैगनीज जो है इसका जो खादन क्षेत्र जो है क्यूझर में है। तांबा खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है, खेतड़ी बॉक्साइट के लिए पलामू, अबरक के लिए हजारीबाग। कोलार जो है ये सोना में कुद्रमुख से लोहा मिलता है, झरिया से कोयला, सिंदरी से उर्वरक ज़्यादा मिलता है। बलाडीला खान जो है ये लोहा के लिए फेमस है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। अगला यहाँ पे आएंगे ये देखेंगे, मलंज खंड मध्य प्रदेश जाना जाता है तांबा खनन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, तांबा खनन के लिए जाना जाता है। अगला है भारत का टीन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य जो है कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ है। हासन तांबा खदान क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में है। खम्मान तांबा खदान क्षेत्र जो है ये तेलंगाना में है। भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थित है राजस्थान स्थित है। भारत में जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में, जिप्सम पाया जाता है, ठीक है।
और पाराइट जो है वो तो बिहार में पाया जाता है। कोडरमा में अभ्रक जो है कोडरमा अभ्रक ज़्यादातर कोडरमा में पाया जाता है जो कि झारखंड में। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला विस्तारित है वो हजारीबाग गया और मुंगेर जिले में है। बस्तर विशेषकर खनिज निक्षेपों में समृद्ध है लोहा उत्पादन में। उत्तर प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश गुजरात में से हीरे भारत में हीरे की खाने स्थित है। मध्य प्रदेश में भारत में लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये उड़ीसा है और यही चीज़ आप लोग देख के बोल रहे थे कि उड़ीसा में लोहा उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। चूँकि जो ये वाला SC/RT बिहार बोर्ड किताब में पुरानी डाटा जो दिया गया उसमें जो दिया गया है कर्नाटक दिया है लोहे के उत्पादन में और ये जो न्यू डाटा है उड़ीसा आगे है ये उत्पादन करने में। ठीक है, तो दोनों ही डाटा के याद रखिएगा, बिहार बोर्ड वाला भी इसको भी। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है वो झारखंड में। मेंटल ऑफ होप किसे कहते हैं, तो यूरेनियम को कहते हैं मेटल ऑफ ना मेंटल नहीं मेटल ऑफ होप। ठीक है, मेंटल मतलब पागल हो जाएगा, मेटल ऑफ है ना मतलब धातु ना आशा की धातु जो है। मेटल ऑफ होप किसे कहेंगे, यूरेनियम कहेंगे। और ये यूरेनियम जो है जादूगोड़ा झारखंड वगैरह में पाया जाता है। आण्विक खनिज इल्मेनाइट जिक्रोन मोनोजाइट मिलते हैं केरल के समुद्री तटीय क्षेत्र में मिलता है। थोरियम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल है थोरियम का। यूरेनियम का समझिए कि जुड़वा भाई है, वो उससे थोड़ा सा कम पावरफुल है ना यूरेनियम। ये यूरेनियम से थोरियम जो है केरल में पाया जाता है ज़्यादा। भारत का वह क्षेत्र जो भारत में रूर नाम से जाना जाता है, रूर घाटी जो है वो छोटा नागपुर पठार कहते हैं। कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला जो स्थित है वो है गुजरात में। खनिज तेल गुजरात में, जिप्सम राजस्थान में, रबड़ केरल में, बॉक्साइट झारखंड में। अंकलेश्वर विख्यात है खनिज तेल के लिए। अंकलेश्वर किस लिए फेमस है, खनिज तेल के लिए फेमस है। भारत के पश्चिमी तट में महाद्वीपीय मग्न तट खनिज तेल संसाधन संपन्न है। दूसरा लिखा है कि भारत में पश्चिमी तट का निर्माण भ्रंश से हुआ है। तो भारत के जो पश्चिमी तट का जो निर्माण है, और ये दोनों तो सही है लेकिन एक दूसरे के व्याख्या नहीं कर रहा है। हजारीबाग बालाघाट सोनभद्र एवं कोटा में से वह जो मैंगनीज उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है वो है बालाघाट उत्तर प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश। रुद्रसागर लकवा बदरपुर एवं अमगुरी तेल क्षेत्र स्थित है असम में। पन्ना जो है ये क्षेत्र जो है टिक्की और गड़गोर में हीरे के लिए फेमस है ना। तामड़ जो है राजमहल, मैगनीज जो है ये लीलावली और काला खूटा वाला जगह पर, तांबा जो है वो कोल्हान और भगोनी में। खनिज तेल का उत्पादन जो हुआ था मंगला 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। अनवेंशन मतलब हुआ था नहरकटिया जो है 1953 में, बदरपुर 1915 में और डिबगोई जो है 1889 में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना। बासेन तेल क्षेत्र जो है बॉम्बे के तेल क्षेत्र है। ठीक है, और मैगनीज जो है क्यूझर में, तांबा जो है खेतड़ी में, बॉक्साइट पलामू में और अभ्रक जो हजारीबाग वाले क्षेत्रों में झारखंड में पाया जाता है। कोयला खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस एवं सौर ऊर्जा में से झपन्ना का झरना यानी कहते हैं खनिज तेल का क्षेत्र कहते हैं। अब ये ऊर्जा के रूप में जानते हैं। जम्मू कश्मीर की पुंगा घाटी जानी जाती है भू तापी ऊर्जा के लिए, और ये भी जो क्वेश्चन है आपके TRE में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि पुंगा घाटी किस लिए फेमस है, तो भू तापी ऊर्जा के लिए फेमस है जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में। पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये लांबा गुजरात में, और ये सब दिया गया आपके SC/RT किताबों में, NCERT किताबों में। सुंदरवल डेल्टा सागर द्वीप ग्रामीण ऊर्जा ऑपरेटिव संबंध है सौर ऊर्जा से। पनकी तापीय ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ये उत्तर प्रदेश में। थाल मानगुरु कल्पक्कम एवं नांगल में से वह स्थान जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु भारी जल संयंत्र स्थित नहीं है वह है कल्पक्कम। हिमालय एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश गुजरात एवं राजस्थान केरल एवं कर्नाटक तमिलनाडु एवं उड़ीसा में से किन भारतीय प्रदेशों में भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम संभावना है वह हिमालय एवं उत्तर पूर्वी प्रदेशों में। तमिलनाडु राज्य का शिवंगई गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सौर ऊर्जा परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल प्राकृतिक गैस कोयला नाभिकीय ऊर्जा में से कौन सा एक भारतवर्ष में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, कोयला है, कौन हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए। काकरा पराकैगा तारापुर कुडल कुलम में नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है कुडल कुलम में, ये तमिलनाडु में है कुडल कुलम में। कैगा कर्नाटक में है, तारापुर तो आपका महाराष्ट्र वगैरह में हो जाएगा, जो एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा परमाणु विद्युत गृह।
नाभिकीय शक्ति षड्यंत्र, कैगा परमाणु शक्ति, ये तो कर्नाटक अभी जस्ट बताया, गुजरात में काकरा पड़ा, महाराष्ट्र में तारापुर, उत्तर प्रदेश में नरौरा और राजस्थान में ये रावत भाटा, ये सब चीज़ें दी गई है। टोटल में चीज़ें ये आप लोग बिहार बोर्ड वाली किताब NCERT में पढ़ा दिया हूँ। कोरबा जो है मध्य प्रदेश में कहलगांव बिहार में है, ये याद रखिए कहलगांव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्युत गिरी बिहार में। उसके बाद बक्केश्वर पश्चिम बंगाल में, दाभोल महाराष्ट्र में, दाभोल और इसमें नाथवा पकड़ी शक्ति और कैगा जैसे कौन विद्युत गिरी सुपर थर्मल कोटि का है, तो सुपर थर्मल कोटि का है शक्ति नगर। भारत में अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत क्षमता विलुप है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होती है इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये दोनों ही सही है, इसीलिए वहाँ पर जल विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है। भावनगर ज्वारी विद्युत योजना के लिए, कोलकाता ज्वारी विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल, कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु में परमाणु शक्ति केंद्र है। इसमें तापीय क्षेत्र देखेंगे तो तापीय क्षेत्र में इन्नौर आ गया, जल विद्युत में सबरीगिरी, आणविक में काकरापड़ा, पवन में मुम्पा मंडल, एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह जो है ये मुम्पा मंडल तमिलनाडु में। भारत में ज्वार ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक संभावना है गुजरात के तट पर, क्योंकि वहाँ पर ज्वार भाटा ज़्यादा उठता है, मतलब ज्वार मतलब होता है समुद्र की लहरें ऊपर उठना, भाटा में नीचे गिरना, तो ये ज्वार भाटा समुद्र क्षेत्र में ज़्यादा होता है। यूरोपीय अमोनिया उत्पादन क्रिबको संयंत्र स्थापित मतलब आधारित है, वो गैस ऊर्जा पर आधारित है। भारत में उत्तम ज्वार क्षेत्र जो है वो डैश से में देखा जा सकता है, गुजरात में देखा जा सकता है। लास्ट आ गया आप लोगों का उद्योग व्यापार योजना में, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में शामिल प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो है कोलकाता है, हावड़ा है, हल्दिया है, सुमारू है, रिसरा है, सीपुर है, नेहाटी है, शामनगर, टीटागढ़, बगबज इत्यादि है। उसके बाद से कीबुको की स्थापना 1980 में हुआ था। शिवकाशी औद्योगिक केंद्र जिस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है वो है बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। भारत के औद्योगिक प्रदेशों में से किस में नौहाटियम जगत दल बांसबेरिया औद्योगिक केंद्र स्थित है, यह है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में। तो फाइनली जो हम लोग का हो गया घटना चक्र हो गया कंप्लीट, और अब इसके MCQ के देख लेते हैं, घटना चक्र का ही MCQ देख लेते हैं। आइए, ये आ गया आपका जो है MCQ आ गया, ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ घटना चक्र का, इसका भारत का सामान्य भूगोल, इसमें भारत का भूगोल सिर्फ देखेंगे, विश्व भूगोल जो है अगला टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा। तो भारत के भूगोल से पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे, अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। अगला, भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो भारत में जो लगभग जो गांव जो दिए गए वो कितने गांव हैं, तो 6 लाख लगभग 8 लाख एक्चुअली में देखेंगे तो गाँव हो जाएगा, भारत में कितने गाँव हैं, 8 लाख। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन था भारत में कितने गाँव हैं, तो याद रखिएगा 6,30,000 गाँव हैं एक्चुअली में, जो भारत में गांव जो है 6,40,932 हो जाएगा पूरा अगर देखें तो, इसके आसपास हो जाएगा 6 लाख, उसको आपका 6,40,932 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन, कर्क रेखा से निम्न में से कौन से राज्यों में से गुजरता है, गुजरात से तो गुजरेगा ही, उसके बाद से छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड से गुजरेगा, ठीक है, इसमें से किन किन राज्यों से गुजरेगा, तो गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के इसमें 3 जो है इसको हटा के 3 जिसमें इसमें हटा दीजिए, इसमें हटा दीजिए, इसमें ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा जो गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, तो वो है 23.5 डिग्री वाला उत्तर वाला, 23.5 उत्तर देखिए, 23.5 उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मानक समय रेखा जो है यमुनोत्तर गुजरती है नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश से तो गुजरता है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद से होकर, अभी देखें इलाहाबाद यानी प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यम समय रेखा, तो 82.5 डिग्री देखिए पूर्वी लिखा होगा ये हो जाएगा। समय रेखा जो है ग्रीनविच से, भारतीय समय रेखा GMT से कितना आ गया, 5.5 घंटा आ गया, किधर लिखा है 5.5 घंटा प्लस में हो जाएगा, आ गया हम लोग। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु यानी सबसे दक्षिणी बिंदु देखेंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखें, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है।
उसी को पिग्मेलियन पॉइंट या पारसन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी को इंगित करता है। तो सबसे पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और सबसे पश्चिम साइड में गुजरात हो जाएगा। अगला, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु यानी सबसे पश्चिमी बिंदु कर रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट था पश्चिमी गुजरात में, ये हो जाएगा 68 डिग्री नहीं पश्चिमी नहीं होगा, पूर्व हो जाएगा, सॉरी पूर्व गुजरात में होगा, क्योंकि दोनों ही देशांतर का पूर्व ही है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में हो जाएगा। अगला देखेंगे, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो वो तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जिसको कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। विश्व में कुल भू भागीय क्षेत्रफल भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है, तो वो है 2.4%। अभी जस्ट पढ़े लो, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच में दूरी अनुमानित है, उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी जो है अनुमानित कितनी, तो भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है, तो लगभग 3200 ये चलेगा, 3214 किलोमीटर है। अगला, भारत की दक्षिणी नोक है, तो भारत का सबसे दक्षिणी नोक जो है वो केप कोमेरून है, या इसी को कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप जो है क्या होता है, तो याद रखिएगा देश में दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, या देश के उत्तरी आधे भाग में उत्तर साइड में ये नीचे से उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देश के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, देश के दक्षिणी आधे भाग में जो है यानी दक्षिण साइड में नीचे में दक्षिणी साइड में आधे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग में आधे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत का मानक समय कितने देशांतर से गुजरता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, कहाँ गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का क्षेत्रफल के संसार का क्षेत्रफल का 2.4 क्षेत्रफल है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है ये 17.5% है, 17% दिया ये भी चलेगा, 17% है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला आएंगे क्वेश्चन, भारत विस्तृत है, तो भारत विस्तृत जो है 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड हो जाएगा, उत्तर साइड में हो जाएगा, ये दोनों के बीच में है, दोनों ही उत्तर में होगा, दोनों उत्तरकालिका, यहाँ उत्तर में और ये भी उत्तर में, दोनों ही उत्तर में होगा। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर और दक्षिण नहीं, दोनों ही उत्तर में है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत डैश के उत्तर में स्थित है, तो भारत जो है मानक प्रधान रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा से ऊपर साइड में उत्तर में है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो दिन होता है, तो भारत में सबसे बड़ा जो दिन होगा याद रखिएगा वो होगा 22 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, और वही 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात समान होगा। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग सबसे पुरानी है, तो सबसे पुरानी जो है वो हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत जो है वो सबसे पुरानी हो जाएगी। अब ये लेवल 2 क्वेश्चन देखते हैं लो, इसमें लेवल 3 इसी तरह करके क्वेश्चन जो है धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। अब लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे लो, 25 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे लो, 25 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा भारत किस भाग से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है कहाँ से, तो याद रखिएगा जो सिक्किम से गुजरता है वो राजस्थान से भी गुजरता हुआ है। ठीक है, यानी कि राजस्थान और सिक्किम एक ही अक्षांश रेखा पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से होकर सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में जो है वो है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा सबसे नज़दीक में, तो दूरी के अनुसार अगर देखा जाएगा तो सबसे नज़दीक में जो हो जाएगा वो सबसे निकटतम आपका इसमें सोचना चाहिए गांधीनगर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा सबसे नज़दीक गांधीनगर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कर्क रेखा के उत्तर में देखेंगे तो कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है वो है मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर साइड में स्थित हो जाएगा, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो ये सब कर्क रेखा पर ही है, तो बाकी उत्तर में तो यही ना हो जाएगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन है,
भारतीय मानक समय रेखा पर मध्याह्न है जो कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित समय रेखा क्या होगा। तो भारतीय समय रेखा से 120 डिग्री का जो समय रेखा है उसको हिसाब से देखेंगे तो वहाँ का जो समय रेखा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा टाइमिंग क्या हो जाएगा, तो वहाँ मान के चलिए कि भारतीय जो है 82.5 डिग्री है, ठीक है, और 120 डिग्री पूरब कह रहा है, 120 डिग्री पूरब, ये मान के चलिए कि 82.5 डिग्री हो जाएगा अपना भारत का, और 120 डिग्री पूरब कह रहा है यानी इस साइड में कह रहा है, 120 डिग्री और आगे कह रहा है 120 डिग्री पूरब में। तो भारतीय समय रेखा हिसाब से यदि भारतीय समय रेखा मध्याह्न यानी 12 बज रहे यहाँ पर और 120 डिग्री कर रहा है, तो 120 डिग्री से इधर बढ़िएगा तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें एक 20 इधर हो जाएगा और 20 इधर यानी 40 से कम 38 37.5 हो जाएगा। 37.5 को 4 से गुना करके देखिएगा लगभग जो है, और उसके बाद घंटा निकाल लीजिएगा और 12 में उसको जोड़ दीजिएगा, तो लगभग हमको लग रहा है कि लगभग 12 बज रहे ना, तो 2.5 घंटे के आसपास में होगा क्योंकि यही दिख रहा है उसके आसपास में, ये 14:30 यानी 2.5 बजने के पास में, ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे हैं, अरुणाचल प्रदेश के तिरप में जो है 5 बज रहा है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तो 2 घंटे का अंतर है, तो 7 बजे होगा, और क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा 7 बजे होगा, 2 घंटे का अंतर है कि नहीं अंतर है, अभी जस्ट बताया था 2 घंटे का अंतर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार वो है, भारत का देशांतरीय विस्तार याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर तक ही होगा, ठीक है, 68.7 से लेकर 97.25 तक, तो 68.7 से लेकर 97.25 होगा, ये होगा पहला नंबर ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों ही उत्तरी अक्षांश होगा, तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश तक। अगला है, भारतीय मानक समय रेखा कौन सा हांगकांग का सही मान समय प्रदर्शित करता है, तो भारतीय समय रेखा जो है तो यानी हांगकांग से हम लोग कितना आगे हैं, तो याद रखिएगा भारतीय हांगकांग से भारतीय जो समय रेखा है, अगर हांगकांग से देखा जाएगा तो हांगकांग एक्चुअली में 117 डिग्री पर है, कितना पर, 117 डिग्री है, तो 117 डिग्री पर है अगर हांगकांग, तो इससे अगर देख लिया जाए दोनों कर घटा कर देखा जाएगा तो कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, लगभग जो है 2 घंटा 18 मिनट का अंतर होगा, तो 2 घंटा 18 मिनट जो है इसका अंतर हो जाएगा, तो भारतीय समय रेखा से कितना हो जाएगा, 2 घंटा 18 मिनट के आसपास अगर देखा जाए तो कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से 2 घंटा 20 मिनट आसपास में दिख नहीं रहा, तो लगभग 2.5 घंटा मान सकते हैं, 2.5 घंटा तो नहीं होगा, 2 घंटा 20 मिनट और 18 मिनट होना चाहिए, क्योंकि 117 पर है हांगकांग और ये 100 मान के चलिए 82.5 डिग्री पर अपना भारत है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, तो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो कभी नहीं मिलेगी, तो याद रखिएगा वो किस में नहीं मिलेगी, तो श्रीनगर में स्थित जो कर्क रेखा जो है यहाँ पर सूर्य किरणें जो है ऊर्ध्वाधर जो है वो कभी भी नहीं मिलेगी। अगला जो है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुना बड़ा है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो मात्र 7,96,000 है, अपना तो 32 लाख है, तो सचों को 28 ऐसे 4 गुना दिख रहा है, 4 गुना से ज़्यादा ही है, 4.5 गुना कहा जा सकता है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर के चयन हेतु औद्योगिक कूट का उपयोग कीजिए, यानी सही चुनना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 7वां बड़ा देश है, वह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, ये सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय नहीं, ये भी गलत है, समूचा भारत नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय रेखा का रूप निर्धारित करता है, ये सही है, यानी 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो याद रखिएगा जो जोड़ी सही नहीं है, भारत का कुल क्षेत्रफल 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये तो सही है ना, 36 नंबर। अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो इसमें से लिखा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी सही है, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 से लेकर 97.25 तक, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या ये है 28 की, ये गलत है, ठीक है। अगला देखेंगे तो 37 नंबर जो लिखा है, निम्नलिखित में से किन कथनों में से कौन सा असत्य है, तो 7वां बड़ा देश है भारत, बिल्कुल सही है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र, ये भी सही है। उसके बाद इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सूर्योदय मिजोरम से नहीं अरुणाचल प्रदेश से होता है, सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश होता है, तो छोटा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो गलत। अगला, निम्न नगरों में से कौन सा नगर रेखा जो है निकट है, कौन सा नगर जो है कर्क रेखा से निकट है, तो याद रखिए कर्क रेखा से जो निकट है वो हो जाएगा इसमें से दिल्ली जो हो जाएगा कर्क रेखा से जो है सबसे निकट में हो जाएगा, कौन हो जाएगा,
नहीं दिल्ली नहीं होना चाहिए, दिल्ली तो होगा ही नहीं, कर्क रेखा से गुजरेगा नहीं, कर्क रेखा से निकट जो हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा कर्क रेखा जो दो बार काटती है, तो कर्क रेखा दो बार काटती है वो तो माही नदी है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, कांगो नदी जो विषुवत रेखा को काटती है वो बताई दी आप लोग को। अगला यहाँ देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दिल्ली के समीप से देशांतरीय पर स्थित है, तो दिल्ली के समीप जो देशांतरीय पर स्थित है तो याद रखिएगा वो जो शहर हो जाएगा, याद रखिएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु, कौन सा हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट आप लोग का, यहाँ पर व्याख्या वगैरह दिया है तो, और इसमें और भी बहुत सारा एमसीक्यू है जो अगले पार्ट में आएगा आप लोग को, जब इसमें और भी जो आते रहेगा क्वेश्चन और आप लोग का ज्योग्राफी का प्रैक्टिस कंटिन्यू चलते रहेगा। आप लोग को कल जो है 9 AM मॉर्निंग में आप लोग को ना सुबह में आप लोग को लाइव जुड़ना है, वहाँ पर जो भी तरह का जितने भी आप लोग डाउट जो है व्हाट्सएप पर आप लोग करते हैं वहाँ पर आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही बार मैं चाहता हूँ कि हर किसी को वहाँ पर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। व्हाट्सएप नंबर है 9905501048, आप सभी जानते होंगे, तो जो नहीं जानते उसको यहाँ पर चाहें तो आप पूछ सकते हैं, या कोशिश कीजिएगा कि कल लाइव में आप लोग सारे डाउट को आप लोग वहाँ पर पूछ लीजिएगा। और लाइव में आप लोग क्या कीजिएगा, जिनका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री इतिहास जो है, इतिहास सिक्स क्लास का जो हिस्ट्री है आप लोग SCERT यानी बिहार बोर्ड का SCERT का, उसको एक बार थोड़ा बुक को देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे लाइव में समय मिलेगा तो आप लोगों का सिक्स क्लास का जो है उसका रिवीजन मैं करा दूंगा। और बाकी जो है यानी कि सबको आना है लाइव में, सबको जुड़ना है, बाकी पहले जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सूचना दे दूंगा कौन कैसे क्या करना है, अपने डाउट वगैरह पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो है जिनका सिक्स क्लास पढ़ना होगा सिक्स क्लास का हिस्ट्री, क्योंकि कोई पिछली बार जो है मॉडर्न से पूछा है और आधुनिक वगैरह से पूछा हुआ है और ये विश्व से पूछा है, हो सकता है कि प्राचीन से भी पूछ सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी बन से भी सकता है, क्योंकि अगर पैटर्न बदला तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको भी जानना जरूरी है। और 9th 10th जिनका एग्जाम देने वाले 9th 10th में, तो उनका 9th 10th में प्राचीन बिल्कुल ही रहता है और 11th 12th वाले में भी प्राचीन रहता है, तो वो जानना जरूरी है। एक बार उसको रिवीजन कीजिएगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा, 2-3 घंटे में, 1.5-2 घंटे में उसको कंप्लीट कर दूंगा, पूरे बुक को समझा दूंगा, डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो कल इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी, सूचना भी आप लोग जानना है कि आपने जितने भी डाउट होगा सारे पूछ लीजिए, कैसे तैयारी करें, क्या करें, अंतिम समय में कैसे तैयारी हुआ, अंतिम समय में जो है पिछली बार जो है कैसे तैयारी किए, तो उन लोगों का सिलेक्शन जो हुआ TRE 2 में, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, क्या उन लोगों की अपनी तैयारी की जो स्ट्रेटजी रही, क्या रही, कैसे रही, वो सारी चीज़ों को आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कल 9 बजे जो है आप सभी रेडी रहेंगे लाइव क्लास जुड़ने के लिए। तो ये भी वीडियो एंड करते हैं, फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय भारत।